हेलो दोस्तों नमस्ते आदाब आप आपका दोस्त गौरव testbook.com डॉट कॉम पर स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाइए तैयार क्योंकि आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं सी आई एस एफ़ के जी के प्यवार दोस्तों जैसा कि आपको पता है सी आई एस एफ़ के एग्जाम बहुत जल्दी है ज़्यादा दिन बचे नहीं है बहुत से लोगों की डिमांड थी कि एक बार क्यों ना पूरा रिवीजन कर लिया जाए तो दोस्तों आज यहाँ पर हम लोग करेंगे पूरा का पूरा रिवीजन और दोस्तों जितने भी लोगों के एग्जाम हैं अभी सी आई एस एफ के आने वाला जो है उसमें सभी लोगों को भाई बेस्ट ऑफ लक अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और आज हम यहां पर क्या करेंगे दोस्तों हम लोग यहां पर पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चंस पर ठीक है सारे क्वेश्चंस लगाएंगे पूरा ए टू जेड समझ कर और यहाँ पर जिससे प्रैक्टिस हो सके और सी आई एस एफ में हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सकें ठीक है तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ मोटिवेशनल कोड की तरफ दोस्तों यहाँ पे कहा गया है अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए विश्वास रखिए परिश्रम का फल सफलता ही है ठीक है कहते दोस्तों यहाँ परिश्रम का फल जो होता है वो मीठा होता है तो दोस्तों परिश्रम का फल सफलता होता है मीठा के साथ साथ सफलता भी होता है ठीक है तो याद रखिएगा जितना आप हार्ड वर्क क्या दोस्तों हार्ड वर्क हार्ड वर्क दोस्तों सिर्फ नहीं यहाँ पर आपको हार्ड के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा ठीक है तभी यहाँ पर सिलेक्शन होता है और दोस्तों इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोग क्या सब लोग तैयार हैं फटाफट से एक बार थम्सअप कर देंगे अगर सभी लोग तैयार हैं तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले सभी को गुड मॉर्निंग राहुल दबंग भाई ओके ऐश्वर्या डी सबको भर भर के यहाँ पे गुड मॉर्निंग और एक बात हमजप कर दीजिए तो पहले प्रश्न में अपन बढ़ते हैं जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरी वॉइस और स्क्रीन एकदम क्लियर है ओके राहुल कह रहे यस है ठीक है गौतम यस तो ठीक है पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर दोस्तों फ्रैंक विटल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो मैंशंस या बिलो इन्वेंशन दोस्तों फ्रैंक विटल निम्न में से किस आविष्कार से संबंधित है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेंजीन लिक्विड एंड ऑप्टिकल ग्लास द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट या फिर जेट इंजन जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे किससे हैं फ्रैंक विटेड जो हैं वो उन्होंने किसका इन्वेंशन किया था यहां पर ये सिंपल पूछ लिया गया है सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कह रहे सर ऑप्शन नंबर फोर होना चाहिए दबंग कह रहे हैं ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों क्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट होगा या फिर नहीं चंद्रवंशी भी कह रहे सर फोर होना चाहिए तो ठीक है दोस्तों जितने लोग ऑप्शन नंबर फोर के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों जेट इंजन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जो कि फ्रैंक फ्रेंक द्वारा दोस्तों विटल द्वारा किया गया था 1937 में कब दोस्तों थर्टी में तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेंजिन या फिर मैं द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट की बात करू ये किसने किया था तो ये दोस्तों माइकल फेराडे ने किया था किसने दोस्तों माइकल फेराडे ने किया था ये याद रखेंगे ठीक है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ यहां रखेंगे फ्रैंक विटल किससे जेट इंजन से है दोस्तों, यहां पर प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था ये बताना है क्या वो स्वतंत्रता था द टाइम्स था यंग इंडिया या फिर इंडिया मिरर जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट फड़ से बहुत सिंपल था क्वेश्चन है ये सभी लोग बताएंगे फटाफट फड़ से यहां पर आने लगा है आंसर ठीक है बहुत बढ़िया दोस्तों यहां पे कह रहे सर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए सम्राट ऐश्वर्या दबंग राहुल तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा यंग इंडिया दोस्तों 1919 से लेके 1931 तक ये याद रखेगा यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा यहाँ पे जो न्यूज़पेपर रिलीज की गई थी या मैगजीन में कहूँ वो रिलीज की गई थी यंग इंडिया दोस्तों स्वतंत्रता स्वतंत्रता केसरी इसका नाम पूरा क्या है दोस्तों स्वतंत्रता केसरी ये किसके द्वारा की गई थी ये बाल गंगाधर तो द्वारा की गई थी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक द्वारा ठीक है दोस्तों ये याद रखेंगे और ये कौन से लैंग्वेज में थी दोस्तों ये पूछा जाता है कौन से लैंग्वेज में थी तो दोस्तों ये मराठी लैंग्वेज में थी कौन सी दोस्तों मराठी लैंग्वेज में थी ठीक है दोस्तों

हेनरी लूस ने किसने दोस्तों हेनरी लूस ने किया था ये याद रखेगा ये आपसे पूछा जा सकता है किसने किया था हेनरी लूस ने ठीक है चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू मनी बिल दोस्तों धन विधेयक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है आर्टिकल एक सौ तेईस एक सौ चालीस एक सौ सत्ताईस या फिर एक सौ दस सभी लोग बताएंगे दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट फड़ से यहां पे हेनरी लूस एल यू सी हाँ एक सौ दस कह रहे हैं रॉकर्स निलंबर सम्राट और ठीक है राहुल ऐश्वर्या वेरी गुड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो दोस्तों आर्टिकल 110 दोस्तों आपको पता है अनुच्छेद 110 में ही क्या दिया हुआ है यहाँ पे यहां पर आपको धन विधेयक दिया हुआ है दोस्तों धन विधेयक कौन बताता है कि धन विधेयक है या फिर वित्त विधेयक है मतलब यहां पे फाइनेंशियल बिल है या फिर मनी बिल है वो बताते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन बताते हैं दोस्तों स्पीकर ऑफ लोकसभा दोस्तों यहाँ विधेयक की बात की गई तो अनुच्छेद एक आपने आंसर बता दिया अगर मैं आपसे फाइनेंशियल बिल की बात करता किसकी दोस्तों फाइनेंशियल बिल की बात करता तब आपका आंसर क्या होता दोस्तों तब आपका आंसर एक होता अगर मैं आपसे बात करता कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों जिसको हम लोग बजट कह देते हैं वो दोस्तों आपको

124 में क्या दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है क्या दिया हुआ है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है तो ठीक है सारे यहां पर हमने समझ लिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बहुत बढ़िया निलंबर वेरी गुड यस नमस्ते आ, काजूब ओके काजू ओके ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों दोस्तों राहुल केला स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन राहुल केला स्टील संयंत्र देश में स्थित है गुजरात कर्नाटका उड़ीसा और महाराष्ट्र राहुल केला स्टील जो है वो कहाँ पर है ये आपको बताना है यस yes, राहुल बिल्कुल आप बता रहे हैं एक जो है सुप्रीम कोर्ट का है बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी लोग बताएंगे दोस्तों यहाँ पे राहुल केला कहां पर है जल्दी जल्दी से उड़ीसा उड़ीसा ठीक है बहुत बढ़िया उड़ीसा उड़ीसा सबका आंसर आ गया है दोस्तों जितने भी लोग उड़ीसा आंसर दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा कब बनाया गया था दोस्तों 1955 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था कब बनाया गया था 1955 में दोस्तों इसका पहला जो ब्लास्ट फर्नेस है ना दोस्तों इसके अंदर पहला ब्लास्ट फर्नेस उसका नाम क्या दिया था दोस्तों पार्वती दिया था क्या दोस्तों पार्वती दिया था इसमें जो ब्लास्ट फर्नेस है राहुल केला स्टील प्लांट में उसको नाम दिया था पार्वती दोस्तों इसको यहाँ पर उस समय कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे कौन दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी थे जिन्होंने ये नामकरण भी किया था ठीक है ये याद रखेगा आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अच्छा उड़ीसा की जब बात आई है दोस्तों तो इसकी कैपिटल क्या है भुवनेश्वर है क्या है दोस्तों भुवनेश्वर है दोस्तों यह दोस्तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो यहीं पर आपको क्या मिलेगा जगन्नाथ टेम्पल मिलेगा कौन सा दोस्तों जगन्नाथ टेम्पल कोनार्क टेम्पल ठीक है ये याद रखिएगा ये आपसे पूछ लिया जाता है यहीं पर दोस्तों आपको नेशनल पार्क मिलेगा कौन सा सिमलीपाल नेशनल पार्क कौन सा दोस्तों सिमलीपाल और भीतर कनिका क्या दोस्तों भीतर कनिका भूलिए नहीं यहीं पर दोस्तों आपको खारे पानी की झील मतलब चिल्का लेक मिलेगा ये याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए हाँ आप आपको भी गुड मॉर्निंग चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा दोस्तों रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है क्लाइमेट चेंज से है पेस्टिसाइड से है ओजोन लेयर से है या फिर वेटलैंड से है जल्दी से बताइए फटाफट से नहीं ऋषभ ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर सी आई एस एफ वाले बच्चे ही पढ़ सकते क्योंकि देखिए जी के इज द सब्जेक्ट जो आपको ना हर एक एग्जाम में ना सेम दिखेगी कुछ में होता है जहाँ पर आपको फॉर्मेट बदला हुआ दिख सकता है लेकिन क्वेश्चन तो वही रहता है कहीं पर आपको मल्टी स्टेटमेंट मिलेंगे कहीं पर आपको मैथ द कॉलम मिलेंगे लेकिन क्वेश्चन तो वही रहने वाले यहाँ पर कह रहे सर वेटलैंड होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों फटाफट बताएंगे चलिए तो सभी लोगों ने कह दिया सर वेटलैंड तो दोस्तों बिल्कुल वेटलैंड से दोस्तों रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए उन्नीस में कब दोस्तों उन्नीस में जो रामसर सिटी है कौन सी सिटी दोस्तों रामसर सिटी है कहाँ पर है दोस्तों ये ईरान पर है ईरान में है ठीक है यहाँ पर डिसाइड किया गया था दोस्तों जो वेटलैंड होते हैं उनको यहाँ पर सेव करना है बचाना है वेटलैंड होते क्या दोस्तों आपने देखा होगा दलदली वाले जो एरिया होते हैं उसको हम लोग वेटलैंड कहते हैं जैसे कि अपने यहाँ सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा क्या दोस्तों सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा ठीक है तो ये याद रखेगा ये

ठीक है यहाँ पे बिल्कुल सभी हाँ सोलह सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है बिल्कुल ऐश्वर्या आपने सही बताया है यस yes, आदित्य आपको भी गुड मॉर्निंग यस छाया बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान दोस्तों भूटान की राजधानी क्या है पारो पुनाखा थिंपू या फिर काठमांडू सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों सभी लोग को बताना है भूटान की कैपिटल क्या है जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी लोग यहां पर ओके आ रहा है सर थिम्पू 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 तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा बी और सी यहाँ पर रॉकेट देखिए बी और सी तो है लेकिन देखिए बी कभी जो अगर मैं बात करूं सी यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा क्यों दोस्तों यहाँ पर यह नहीं पूछा है कि पहले कौन सी कैपिटल थी लेकिन आपके एम के एग्जाम में जो लोग पुनाखा भी आंसर कर रहे वो तो एम के एग्जाम में पूछा था दोस्तों कि थिम्पू से पहले कौन थी मतलब उधर पे थिम्पू ऑप्शन में दिया था उन्होंने ईयर दे दिया था कि शायद उन्नीस से पहले ऐसा कुछ दिया हुआ था कि इससे पहले कौन सी थी ठीक है तो पुनाखा थी ठीक है याद रखेगा थिंपू अभी है प्रेजेंट में थिम्पू है यहाँ की दोस्तों अगर करेंसी की बात की जाए तो करेंसी कौन सी संसद को सोगड़ू कहा जाता है काठमांडू ये नेपाल की कैपिटल है कहा की दोस्तों नेपाल की कैपिटल है ठीक है आगे बढ़े वेरी गुड रॉकर्स बहुत बढ़िया ऐश्वर्या राजेश वेरी गुड हाँ ओल्ड कैपिटल बिल्कुल भूटान की पुनाखा है राजेश जी Yes, Gargi, book, दोस्तों, के लेखक कौन है महात्मा गांधी है या फिर तारा अली बेग है मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं या फिर गोविंद वल्लभ पंत है जल्दी से बताइए दोस्तों यस yes, नेपाल में ही सार का हेडक्वाटर है, है बिल्कुल सही बता रहे काठमांडू में आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर सभी लोग कह रहे सर महात्मा गांधी होना चाहिए ओके ऑप्शन आ गया रॉकर्स आदित्य सुमित राहुल वेरी गुड दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर होंगे महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी का दोस्तों एसएससी में पूछा गया सवाल है कि भैया उनका जन्म किस वर्ष में हुआ था तो 1869 में ये याद रखिएगा ठीक है इन्होंने दोस्तों कौन सी किताब लिखी है हिंद स्वराज ठीक है या फिर स्वराज हिंद बोल लीजिए ये किताब लिखी है इन्होंने कब लिखी थी ये पूछा जाता है तो 1905 में लिखा था दोस्तों जब ये कहां से इंग्लैंड से अफ्रीका जा रहे थे शिप में लिखी थी इन्होंने ये किताब ठीक है भारत कब आए थे दोस्तों ये 9 जनवरी 1915 को आए थे दोस्तों ठीक है यहाँ पर दोस्तों आने पर इनके क्या मनाया गया था दोस्तों एनआरआई डे उसी दिन से दोस्तों हम लोग इस दिन को क्या बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस नौ जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है ठीक है ये याद रखेंगे महात्मा गांधी ने दोस्तों एक आईएनसी मतलब अध्यक्षता की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो भी 1924 में बेलगांव सेशन कौन सा से दोस्तों बेलगांव सेशन ये याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दोस्तों गरबा इज अ डांस फॉर्म ऑफ गरबा नृत्य शैली संबंधित है गुजरात से राजस्थान से उड़ीसा से या फिर असम से जल्दी से बताइए दोस्तों गरबा जो है यस सम्राट अशोक बिल्कुल सही बता रहे हैं यस yes, ममता आपको भी नमस्ते गुजरात कह रहे हैं यहाँ पे मिस्टर रॉकर ऐश्वर्या ठीक है मिर्जापुर ओके कमरान दोस्तों बिल्कुल गरबा यहाँ पे दोस्तों गुजरात हो जाएगा क्या हो जाएगा गुजरात दोस्तों गरबा के अलावा कौन सा डांस देखने को मिलता है डांडिया भी देखने को मिलता है क्या मिलता है डांडिया भवाई दोस्तों अपन ने भवाई भी देखा है यहाँ पे नृत्य देखने को मिलती है राजस्थान की अगर बात की जाए दोस्तों राजस्थान से आपके एम में भी एक क्वेश्चन आया था कल ही आया था ना दोस्तों कलबेलिया के ऊपर आया था किस पे दोस्तों कलबेलिया ठीक है यहीं पर दोस्तों यहां पर भी भवैया आपको डांस देखने को मिलेगा ठीक है चकरी मिलेगा क्या मिलेगा दोस्तों चकरी मिलेगा घूमर मिलेगा अब दोस्तों बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं घूमर जो है ये राजस्थान का है ठीक है घुमरा दोस्तों उड़ीसा का दोस्तों घुमरा है क्या दोस्तों घुमरा अगर आपसे पूछ लेगा तो ये उड़ीसा का है घुमरा है ये घूमर है कंफ्यूज मत होइएगा एक झूमर होता है दोस्तों झूमर झूमर डांस झूमर डांस दोस्तों आपको झारखंड और हरियाणा साइड में भी देखने को मिलेगा झारखंड में भी देखने को मिलता है और हरियाणा साइड भी आपको देखने को मिलता है ये याद रखेंगे असम में दोस्तों आपको कौन सा दोस्तों मिलेगा बिहू का त्यौहार मनाते हुए लोग मिलेंगे और सबसे फेमस डांस दोस्तों यहाँ का सतरिया डांस कौन सा दोस्तों सतरिया डांस ये दोस्तों एम में पहले दिन क्वेश्चन पूछा गया था सतरिया डांस के ऊपर ठीक है आगे बढ़े यस छाया बिल्कुल सही बता रहे हैं ऐश्वर्या Uh, सम्राट कलबेलिया 2000 हजार हाँ यूनेस्को का इसको दोस्तों दर्जा मिल चुका है कलबेलिया नृत्य को इसको दोस्तों स्नेक डांस भी कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों स्नेक डांस कहते हैं ठीक है ठीके? ये याद रखेगा आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनोरिटीज दोस्तों भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की संबंधित है आर्टिकल चौबीस आर्टिकल उनतीस आर्टिकल बीस आर्टिकल इक्कीस जल्दी से, से बताइए यहाँ पे कह रहे सर उन्तीस होना चाहिए सम्राट अशोक कह रहे हैं बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे कि क्या होना चाहिए फटाफट -फड़ बताएंगे सभी लोग ठीक है चलिए यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर है उनतीस दोस्तों उन्तीस यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों चौबीस किससे रिलेटेड है चौबिस ये कहता है दोस्तों कि यहाँ पे चौदह साल से जो कम बच्चे कम उम्र के बच्चे हैं कितने दोस्तों फोर्टीन ईयर से कम उम्र के बच्चे उनको फैक्ट्रीज में अलाउ नहीं करना है फैक्ट्रीज में अलाउ नहीं करना है ठीक है आर्टिकल 29 कहता है दोस्तों इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है आर्टिकल 30 दोस्तों आपके एमटीएस में पूछा जा चुका है 30। ये दोस्तों माइनॉरिटीज के किसकी बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की किसकी दोस्तों एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करता है आर्टिकल थर्टी ठीक है आर्टिकल बीस किसकी बात करता दोस्तों, और और है दोस्तों सेफ गार्ड ऑफ राइट ऑफ सिटीजन्स ठीक है इक्कीस से किससे बात करता है दोस्तों राइट टू एजुकेशन दोस्तों ये छियासवें संशोधन के तहत आया था दो हज़ार दो में जहाँ पर बोला गया दोस्तों छः से चौदह साल के बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है ठीक है याद रखेंगे आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए वेरी गुड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने वेरी गुड दीपक सही बता रहे हैं आप अगला प्रश्न आपके सामने इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा दोस्तों की राजधानी क्या है इम्फाल डिब्रूगढ़ अगरतला या फिर कोहिमा जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पे पूछा गया है त्रिपुरा की कैपिटल फटाफट से बताएंगे यस yes, कमरान पिछले का उन्तीस करेक्ट आंसर है यहाँ पे सभी लोग बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है बहुत बढ़िया जितने लोग दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं अगर 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 तो दोस्तों उनका अगर करेक्ट हो जाएगा अगर मगर नहीं करना है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री तला यहां पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों त्रिपुरा के ऊपर क्वेश्चन ये पूछा गया था खर्ची पूजा क्या पूछा गया था दोस्तों खर्ची पूजा पूछा जा चुका है आपके एमटीएस की बता रहा हूं दोस्तों और एक

अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों मिनिमम एज रिक्वायर्ड बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है कितनी पच्चीस वर्ष तीस वर्ष चालीस वर्ष या पैतीस वर्ष दोस्तों यहाँ पे सभी लोग बताएंगे फटाफट से ऋषभ कह रहे सर पच्चीस होना चाहिए रॉकर्स कह रहे सर पच्चीस सिडबोर्ड पच्चीस के साथ जा रहे हैं रजनीत ठीक है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों पच्चीस वर्ष होगा दोस्तों आपके एम के एग्जाम में क्या पूछा गया था सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए क्या आयु होनी चाहिए तो दोस्तों प्रेसिडेंट के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनना है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का तब आपकी पच्चीस आयु होनी चाहिए अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है मतलब विधान परिषद का बनना है या फिर यहाँ पे राज्यसभा का तो आपकी उम्र तीस होनी चाहिए गवर्नर बनना है दोस्तों तो आपकी उम्र 35 होनी चाहिए और दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौन से अनुच्छेद में मेंशन में है ये आर्टिकल किस में दोस्तों ये आर्टिकल 75 में है किस में दोस्तों 75 में है दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये किस में है ये अनुच्छेद छिहत्तर में है किस में दोस्तों छिहत्तर में है ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए वेरी गुड दीपक रितिक बहुत बढ़िया गर्गी चलिए विजया वेरी गुड अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने द सतलज रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यहाँ पे सतलज नदी एक सहायक नदी है किसकी है इंडस रिवर की ब्यास नदी की झेलम नदी की या फिर चेनाब नदी की जल्दी से बताएंगे सभी लोग फटाफट बताइए यहाँ पे कह रहे सर होना चाहिए ए ऑप्शन कह रहे हैं रॉकर ओके दीपक कह रहे सर ए होना चाहिए कमरान इंडस के साथ तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है ऋषभ तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे करेक्ट आंसर है इंडस रिवर अब दोस्तों इंडस रिवर को क्या कहा जाता था सिंधु नदी ठीक है यहाँ पे ब्यास नदी को क्या कहते थे दोस्तों विपासा अपन ने याद किया था ना दोस्तों ऋग्वेद में विपासा के नाम से नदी शुक्ता में जो लिखा हुआ है नाम वो विपासा है झेलम को क्या बोलते थे दोस्तों विस्ताता बोलते थे क्या दोस्तों फटाफट बताइए विस्ताता या फिर चेनाब को क्या बोला जाता था अस्किनी क्या कहा जाता था दोस्तों अस्किनी बोला जाता था ये याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ यस yes, विपासा बिल्कुल सही ऐश्वर्या छाया रॉकर्स यस yes, राजेश चले आगे बढ़ते हैं हाँ वितास्ता बोलते हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सामने ही रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद से 11 से से निम्नलिखित में किस पहलू संबंधित है? है, 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 क्या वो या फिर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन है जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे कर सर ए ऑप्शन होना चाहिए रॉकर्स कह रहे हैं ओके okay. बिल्कुल सम्राट जी ऋषभ सिडबोट सलोनी बहुत बढ़िया शोर है यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दोस्तों भारत में कैसी नागरिकता है एकल नागरिकता है ठीक है कैसी है दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कहा जाता है एकल नागरिकता ठीक है दोस्तों एक चीज पूछना है कि यहाँ पर अगर आपको किसी और कंट्री का नागरिकता लेनी है तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी ये याद रखेगा जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था अक्षय कुमार अक्षय कुमार ने क्या किया दोस्तों यहाँ पर कैनेडा अब भैया पढ़े लिखे तो है नहीं है ना मजाक कर रहा हूं ठीक है हंसी मजाक है की? की लगा लिया इन्होंने यहाँ पर इन्होंने क्या किया दबदबा बना लिया दो देशों में बोले कि हम पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ शादी कर लेंगे वहां भी दबदबा हो जाएगा उनके नाम पर यहाँ पे तो अपनी नागरिकता है ही तो नागरिकता भी नहीं छोड़नी पड़ी और पाकिस्तान में भी दबदबा बना लिया है ना तो ये होती है दिमागदार ठीक है दोस्तों से लिया गया, कहां से दोस्तों यूके से से लिया गया है सिटीजनशिप कौन से भाग में है दोस्तों भाग दो में है में दोस्तों भाग दो में है ठीक है ठीक याद रखिएगा आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा दोस्तों विच सिटी इन इंडिया आर ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है क्या नाग कानपुर है नागपुर है उदयपुर है या फिर जयपुर है जल्दी से बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी से बताएंगे यस सचिन यहाँ पर सी आई एस एफ की क्लास आपकी मंडे को भी होगी ट्यूसडे को भी होगी आप ही लोग की डिमांड पर यहाँ पर क्लास रखी गई फिर उसके बाद तो आपके एग्जाम ही है ना जयपुर 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 तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा जयपुर यहां पे करेक्ट आंसर होगा था। अच्छा उदयपुर को क्या कहा जाता है सिटी ऑफ लेक क्या कहते हैं दोस्तों सिटी ऑफ लेक कहा जाता है ठीक है ये याद रखिएगा। नागपुर को क्या कहा जाता है दोस्तों ऑरेंज सिटी क्या कहते हैं दोस्तों ऑरेंज सिटी कहते हैं अच्छा यहां पे दोस्तों एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे सिटी ऑफ लेक उदयपुर को अगर लेक सिटी पूछ लेगा क्या दोस्तों लेक सिटी पूछ लेगा तो आंसर क्या होना चाहिए भोपाल होना चाहिए क्या दोस्तों भोपाल होना चाहिए दोस्तों अगर स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया पूछ लेगा स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों मेघालय को कहा जाता है किसको दोस्तों मेघालय को कहा जाता है ठीक है ये याद रखेगा ये आपसे पूछा जाता है अच्छा दोस्तों वाइन सिटी बताइए वाइन सिटी किसे कहते हैं वाइन सिटी फटाफट से हालांकि ये देखिए किसी का भी गलत नहीं आएगा आंसर मेरे को पता है वाइन सिटी वाला कोई भी गलत नहीं करेगा हाँ जल्दी से बताइए यस yes, रॉकर बिल्कुल सही है ऋषभ कमरान ऐश्वर्या ठीक है बिल्कुल सही आ रहा है सभी का आगे बढ़े वाइन सिटी दोस्तों कर्नाटका को चलिए अच्छा मतलब यहाँ पे लोग वाइन सिटी नहीं जानते है चलिए कोई बात नहीं नासिक को कहते किसको दोस्तों नाशिक को मतलब हम ही खराब निकले बाकी सब सही निकले ठीक है नासिक को कहा जाता है वाइन गोवा को नहीं कहा जाता गोवा में ज्यादा मिलने से ऐसा नहीं होता कि गोवा को बोला जाता है नासिक को कहा जाता है और इसी को ग्रेप सिटी भी कहते हैं क्या दोस्तों ग्रेप्स जहां पे अंगूर होगी दोस्तों वहीं पर वाइन भी ज्यादा मिल जाएगी ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन दोस्तों रोट पंचतंत्र पंचतंत्र किसने लिखा सुद्रका ने विष्णु गुप्ता ने विष्णु शर्मा ने या फिर भरत मुनि ने जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पे सभी लोग बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी से सी ऑप्शन कह रहे हैं कुछ लोग ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों यहां पे क्या सी ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा जितने लोग ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं विष्णु शर्मा यहाँ पे करेक्ट आंसर है विष्णु गुप्त तो दोस्तों किसको कहा जाता था कौटिल्य ये कौटिल्य किसका नाम है भैया ये है मश्या को किसको कहा जाता है तो दोस्तों अभी अब आपको पता चल जाएगा किसको कहते हैं चाणक्य को दोस्तों किसको चाणक्य को तो दोस्तों चाणक्य के ही इतने नाम हैं कौटिल्य विष्णुगुप्त इसने इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की थी दोस्तों तक्षशिला से की थी कहा से दोस्तों तक्षशिला से ये याद रखेगा ठीक है भरत मुनि दोस्तों नाट्य शास्त्र से संबंधित है किससे दोस्तों नाट्य शास्त्र से संबंधित है ये याद रखेगा ठीक है यहाँ से पूछ लिया जाता है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला प्रश्न दोस्तों लॉर्ड बुद्धा रियल नेम वॉज दोस्तों भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था वर्धमान सिद्धार्थ महावीर या फिर प्रिय दर्शन जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर हाँ तक्षिरा से पढ़ाई की थी बिल्कुल सही बता रहे हैं यहां पे चलिए दोस्तों फटाफट बताइए दोस्तों यहां पे लॉर्ड बुद्धा का नाम ठीक है यहां पर आ रहा है सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 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 तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहां पे क्या है सिद्धार्थ वेरी गुड दोस्तों वर्धमान किसका नाम था फिर ये महावीर जी का नाम था किसका दोस्तों महावीर जी का नाम ठीक है अब दोस्तों यहां पे बुद्धा की बात की गई है तो बुद्धा का जन्म कब हुआ था पांच सौ तिरसठ बीसी में हुआ था कहाँ पर हुआ था लुम्बिनी में हुआ था कहाँ पर दोस्तों लुम्बिनी लुम्बिनी कहाँ पर नेपाल में ठीक है दोस्तों यहाँ पर इनका नाम तो सिद्धार्थ था इनके पिता का नाम सुदोधना था जो कि कपिल वस्तु के राजा थे इनके बेटे का नाम राहुल था है ना दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने जब घर छोड़ा था तो उसको कहते हैं हम लोग महाभिनिष्कर्मण क्या कहते हैं दोस्तों महाभिनिष्कर्मण ये याद रखिएगा ठीक है इन्होंने जब घर को त्यागा था ठीक है इन्होंने दोस्तों पहला उपदेश जो अपना दिया था फर्स्ट शर्मन जिसको हम लोग कहते हैं वो दोस्तों सारनाथ में दिया था कहाँ पे सारनाथ में और दोस्तों इनको निर्वाण जो है वो कहाँ पे प्राप्त हुई थी निर्वाण दोस्तों इनको गया में प्राप्त हुआ था किस पेड़ के नीचे पूछ लिया जाता है तो पीपल पेड़ के नीचे जिसको दोस्तों बोधि ट्री कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों बोधी ट्री दोस्तों इनको परिनिर्वाण परिनिर्वाण मतलब दोस्तों यहाँ पे मोक्ष मतलब दुनिया को छोड़कर चले गए थे परिनिर्वाण उसको कहा जाता है वो दोस्तों कहाँ पर मिली थी इनको कुशीनगर में कहाँ पर दोस्तों कुशीनगर में ये भी याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यह रहा इन विच द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सदनों की स्थापना हुई थी क्या वो 1950 है उनचास है बावन है या फिर सैतालीस है जल्दी से बताएंगे सभी लोग फटाफट से फटाफट से बताना है दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल यहाँ पे बावन 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 वेरी गुड बप्पी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा उन्नीस दोस्तों अगर मैं बात करूं लोकसभा की या फिर राज्यसभा की तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट क्या कहा जाता है दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है ना दोस्तों जल्दी से बताइए या फिर आप बोल सकते हो इसको अपर हाउस चाह बोल सकते हो दोस्तों अपर हाउस बोल सकते हो या इसको आप बोल सकते हो परमानेंट हाउस क्या बोल सकते हो दोस्तों परमानेंट हाउस सब इसी के नाम है दोस्तों ठीक है याद रखिएगा कहते हैं ना सबका मालिक एक लेकिन भगवान के नाम बहुत सारे वैसे ही इसका भी ठीक है लोकसभा का भी ऐसे ही दोस्तों इसको आप लोअर हाउस बोल लीजिए क्या बोल लीजिए लोअर हाउस या फिर आप बोल लीजिए हाउस ऑफ पीपल क्या पूछ लीजिए हाउस ऑफ पीपल बोल लीजिए या टेम्प्रेरी हाउस भी बोल लीजिए ठीक है ये अनुच्छेद दोस्तों इक्यासी में है यह अस्सी में है लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 उम्र होनी चाहिए कम से कम राज्यसभा बनना है तो दोस्तों 30 उम्र होनी चाहिए लोकसभा की मैक्सिमम सीट दोस्तों 550 होती है राज्यसभा की मैक्सिमम सीट दोस्तों ढाई होती है ठीक है लोकसभा में मनोनीत एक भी नहीं होते हैं राज्यसभा में दोस्तों मनोनीत बारह लोग होते हैं ये याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हाँ बिल्कुल सम्राट जी बहुत बढ़िया ममता जी ठीक है चलिए आगे बढ़े अगला क्वेश्चन दोस्तों विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर द ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरस दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट भारतीय यहाँ पर एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है दुधवा कान्हा काजीरंगा और गिर जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे रॉकेट कह रहे गिर होना चाहिए ऐसे कैसे गलती हो गई रॉकेट ऐसे नहीं होना चाहिए आप तो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ऐसे कैसे हो जाएगा वैसे हालांकि सभी लोग पढ़ रहे हैं करेक्ट आंसर भी सभी के आ रहे हैं काजीरंगा काजीरंगा करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा काजीरंगा काजीरंगा कहाँ पर है दोस्तों ये असम में है कहाँ पे दोस्तों असम में है ठीक है मानस नेशनल पार्क दोस्तों मानस नेशनल पार्क यहीं पर होगा दुधवा दोस्तों आपको यूपी में देखने को मिलेगा कहां पे यूपी में कान्हा दोस्तों आपको कहां पे मिलेगा एमपी में गिर कहां पर दोस्तों मिलेगा गुजरात में ठीक है दोस्तों यहां पर किसके लिए फेमस है फेमस है ये एसियाटिक लॉय के लिए गिर फॉरेस्ट जो है एसियाटिक लॉय के लिए फेमस है ठीक है ये अगर मैं बात करूँ कान्हा तो ये दोस्तों ब्लैक डियर यहाँ पे आपको ब्लैक डियर मिलेगा ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए वेरी गुड आलोक सिडबोट सम्राट अगला दोस्तों, आपके सामने, दोस्तों, में से कौन सा कानूनी है बाय वॉट अथॉरिटी वी कमांड फ्रेंड ऑफ द कोर्ट या टू हैव द बॉडी जल्दी से बताइए दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे सभी लोग फटाफट से बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा मैंडमस का मतलब क्या है दोस्तों इस बता दीजिए फटाफट से हाँ सम्राट बिल्कुल सही बता रहे हैं लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं इसका मतलब क्या है बी ऑप्शन कह रहे हैं बप्पी सरकार सुजाता अभिषेक रॉकर्स वेरी गुड दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वी कमांड क्या दोस्तों वी कमांड अब बात की जाए किसकी यहाँ पे रिट्स की तो ये किसमें दोस्तों अनुच्छेद बत्तीस में है ठीक है इसको बोला क्या जाता है रिमिडीज बोला जाता है क्या बोला जाता है रिमिडीज दोस्तों यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर मतलब भीम भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था इसको कहा है यहाँ पर हृदय हार्ट एंड सोल मतलब आत्मा हृदय और आत्मा कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें दोस्तों पांच रिट्स हैं। क्या है पांच रिट्स पहला कौन सा दोस्तों है। क्या दोस्तों है। मतलब दोस्तों जो अगर किसी ने सजा काट रखी है फिर भी उसको ले रखा है उसकी बॉडी को रखा हुआ है तो दोस्तों इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ठीक है दोस्तों यहां पे होगा टू हैव द बॉडी सेकंड है दोस्तों मैंडमस क्या दोस्तों मैंडमस है क्या दोस्तों मैंडमस मैंडमस वो होता है दोस्तों जहां पर हम सामने वाले को बताते हैं भैया कि आपका कार्य है ये आपको करना चाहिए हम वहां पर कमांड करते हैं हम नहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको यूज करेगा ना तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है भैया ये तुम्हारा काम था तुमने काम नहीं किया है तो ये मैंडमस के तहत हम बताते हैं जो कि इसका आंसर क्या होगा वी कमांड ठीक है थर्ड बात करूं दोस्तों यहाँ पे सर्शरी होता है क्या होता है सर्शरी होता है फोर्थ प्रोहिबिशन होता है क्या दोस्तों प्रोहिबिशन

चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने डैश वाज द फर्स्ट इंडियन मूवमेंट टू विन द मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट दोस्तों यहां पे डैश मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी रीता फारिया डायना हाइडेन सुष्मिता सेन या फिर ऐश्वर्या राय जल्दी से बताएंगे दोस्तों फटाफट से बताइए दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा और दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है फटाफट से क्या करेंगे शेयर करेंगे और लाइक करेंगे जल्दी जल्दी से यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ठीक है आंसर आना स्टार्ट हो चुका है ठीक है यहां पे रीता फारिया रीता फारिया सब लोग कह रहे हैं तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा रीता फारिया होगा दोस्तों जिन्होंने 1966 1966 में 1966 में कब दोस्तों जीता था मिस वर्ल्ड का खिताब अच्छा दोस्तों यहां पे डायना हाइडन ने किसका जीता था जल्दी से बताइए डायना हाइडन ने कौन सा खिताब जीता हुआ है फटाफट से बताएंगे फटाफट बताइए ठीक है यहां पर आ रहा है ठीक है चलिए तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये भी क्या जीत चुकी है दोस्तों ये भी यहाँ पर जीती हुई है थर्ड मिस वर्ल्ड क्या दोस्तों थर्ड मिस वर्ल्ड जीती है सुष्मिता सेन दोस्तों मिस इंडिया यहां पर ये मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड और दोस्तों रीता फारिया और डायना हैडन मिस यहाँ पर क्या जीता है दोस्तों मिस वर्ल्ड इन्होंने भी जीता ठीक है थीके? अगला क्वेश्चन द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड इन द दियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय समाजवादी शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में डैश द्वारा लिखा गया था या जोड़ा गया था द कॉन्स्टिट्यूशन uh, यहाँ पे थर्टी फिफ्थ अमेंडमेंट दिया हुआ है ठीक है यहाँ पे फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट यहाँ पे ट्वेंटी फोर अमेंडमेंट यहाँ पर दोस्तों सेवेंटी सेवेंथ अमेंडमेंट जल्दी से बताइए दोस्तों कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है ये शब्द सोशलिस्ट ऐड किया गया है कह रहे हैं रजत बपी रोहित ऐश्वर्या फोर्टी सेकेंड करेक्ट होगा चलिए तो दोस्तों सभी का जितने लोग फोर्टी सेकेंड कह रहे हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ठीक है क्या होगा फोर्टी सेकंड जो कि 1976 में क्या दोस्तों 1976 में जहां पर दोस्तों सोशलिस्ट क्या दोस्तों सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी ये शब्द दोस्तों ऐड किए थे अपने भारतीय संविधान में ये याद रखिएगा इसी के तहत दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड की गई थी ये याद रखेंगे दोस्तों सेवेंथ जो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपसे अगर फोर्टी फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो पूछ लिया जाता है क्या फोर्टी फोर्थ जो कि 1978 में था इसमें दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट right से उठाकर क्या बना दिया गया लीगल राइट right बना दिया गया इसलिए दोस्तों यहाँ पे फोर्टी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछ लिया जाता है ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ हाँ ये बिल्कुल फोर्टी सेकेंड को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान भी कहते हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं यहाँ पे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है ठीक है आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न दोस्तों हु वॉज द फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ भारत रत्न भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है या डॉक्टर भगवान दास सी राजा गोपालचारी जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद जल्दी से बताइए दोस्तों भारत रत्न जो कि सबसे फटाफट से बताइए जल्दी जल्दी से सभी को बताना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे सर ऑप्शन नंबर टू होना चाहिए ओके ठीक है बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर टू सी राजा गोपाल चार। दोस्तों कब मिला था उन्नीस को मिला था क्या जल्दी से बताइए दोस्तों वहां पे सीवी रमन जी को भी मिला था ठीक है सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी को भी मिला था तो तीन व्यक्ति थे दोस्तों जिनको यहां पे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब किया गया था 1900 उन्नीस सौ सबका आ गया है बिल्कुल सही दोस्तों यहाँ पे उन्नीस तो सिविलियन अगर में बात करूं, भारत में, सबसे दोस्तों कहा जाता है अवार्ड वो है भारत रत्न कौन है दोस्तों भारत रत्न है ठीक है इसके बाद दोस्तों पद्म विभूषण है पद्म भूषण है फिर पद्मश्री है ये याद रखेगा ठीक है थीके? आगे बढ़े अगला क्वेश्चन दोस्तों द फुल फॉर्म ऑफ पी कुसुम दोस्तों पी कुसुम का पूर्ण रूप क्या है प्रधानमंत्री कृषि उज्ज्वला सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना या फिर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा या फिर सुरक्षा एवं उत्तर मध्य योजना या फिर इनमें से कोई भी नहीं दोस्तों पी कुसुम जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा ए ऑप्शन कह रहे रॉकर्स ऐश्वर्या कह रहे सर ए ऑप्शन होना चाहिए रजत कह रहे सर ए ठीक है राहुल कह रहे सर ए ऑप्शन बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों यहां करेक्ट आंसर क्या होगा चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर टू होगा ना कि ए होगा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए नहीं है टू ऑप्शन है दोस्तों और दोस्तों आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के द्वारा लाया गया था किसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जहाँ पर दोस्तों ये कहा गया था कि यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे सोलर पैनल का यूज करेंगे किसका दोस्तों सोलर पैनल का जो एग्रीकल्चर खेत होती है दोस्तों आपने देखा होगा वहाँ पे मोटर का यूज किया जाता है ठीक है वहाँ पे लाइट्स भी यूज होती है तो वहां पर क्या किया गया था कि सोलर पैनल कहा गया था कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है वहां पर सोलर पैनल लगा के इसको बढ़ाया जाएगा और इसी दोस्तों एक पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत आता है ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों द सदर मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इज दोस्तों भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है क्या वो केप कोमरिन है इंदिरा पॉइंट है पाक स्ट्रेट है या फिर इंदिरा कोल है जल्दी से बताइए दोस्तों ओके रॉकर्स कह रहे सर मैं भी बी बोला ओके ठीक है बहुत बढ़िया रॉकरस जल्दी से बताइए दोस्तों यहां आंसर क्या होगा आपसे पूछा गया सदर मोस्ट दोस्तों यहां पर आंसर आ रहा है बिल्कुल सही चलिए तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट ठीक है इंदिरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे अगर बात करूं मैं इंदिरा कोल ये नॉर्थ का है किसका दोस्तों नॉर्थ का है क्या दोस्तों जल्दी से बताइए ठीक है अगर मैं आपको ईस्ट का पूछ लू ईस्ट का तो वो किबूथु हो जाएगा क्या दोस्तों कीबूथू ठीक है अब दोस्तों सभी लोग वेस्ट का क्या करेंगे यहां पर होमवर्क करके आएंगे क्या दोस्तों वेस्टर्न पॉइंट मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है ठीक है ओके राजेश ठीक है आपका भी करेक्ट है तो बहुत बढ़िया ठीक है आगे बढ़े हाँ वेस्ट हां वेस्ट का कई लोग आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं गुहार मोटी नहीं है दोस्तों गुहार मोटा है क्या दोस्तों मोटा है मोटी नहीं है वो ठीक है गुहार मोटा आगे बढ़े मोती है क्या चले कोई नहीं मोटा हो या मोटी है ना पता होना चाहिए गुहार मोटा है ठीक है आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन दोस्तों दोस्तों आपके सामने दोस्तों, जेलेना जेलना रिप्रेजेंट विच गेम दोस्तों जेलेना को किस खेल से प्रतिनिधित्व करती हैं क्रिकेट बैडमिंटन हॉकी या फिर लॉन टेनिस जल्दी से बताइए फटाफट बताइए जल्दी से बताएंगे <laughs> मैंने गुहार मोटा सुना है आप लोगों ने पहली बार मोटी बताया तो ठीक है उसको चेक कर लिया जाएगा यहाँ पे लॉन टेनिस कह रहे हैं कुछ लोग कुछ लोग कह रहे हैं सर मैं स्किप करना चाहूंगा दोस्तों ये तो क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास में किया हुआ है पहले भी जो दोस्तों लॉन टेनिस कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो भी लॉन टेनिस कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है इनका दोस्तों सत्रवा नंबर लगता था रैंक आती है दोस्तों वर्ल्ड में ठीक है विश्व में नंबर पर आती है लॉन टेनिस से दोस्तों ये संबंधित है जेलेना जेलेनापैंग को ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों दोस्तों विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एडेड राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा था बा, सॉरी पचहत्तर और चौहत्तर जल्दी से बताइए फटाफट बोल रहे सर यहां पे बोल रहे सर होना चाहिए छियासी ओके कुछ लोग बाईस भी कह रहे हैं बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों ठीक है यहां पे करेक्ट आंसर आ रहा है चले

अगला क्वेश्चन दोस्तों चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू जल्दी से बताइए दोस्तों हाँ उसको नगर पालिका भी कहते हैं बी आर बी आर अम्बेडकर सब लोग कह रहे तो दोस्तों यहां पे आंसर क्या होगा ठीक है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ठीक है एटीन नाइनटी थ्री में दोस्तों इनका जन्म हुआ था ठीक है कहां पर दोस्तों महू में महू कहां पर दोस्तों एमपी में है याद रखेगा इनको दोस्तों फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्या कहा जाता है यहां पे संविधान का जनक ठीक है? तो ऑफ रखेगा यहाँ पर इन्होंने ये याद रखिएगा तीनों इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ हाँ 14 अप्रैल को जयंती आती है वेरी गुड चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने When is Army Day in India? भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों पंद्रह जनवरी पंद्रह दिसंबर दस जनवरी दस दिसंबर सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों आर्मी डे आपसे पूछा गया है जल्दी से बताइए फटाफट फड़ सभी लोग बताएंगे दोस्तों आर्मी डे कब मनाया जाता है जल्दी जल्दी से सभी को बताना है हाँ पिछला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी करेक्ट आंसर थे यहाँ पे कह रहे सर पंद्रह जनवरी होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा पंद्रह जनवरी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ठीक है एक फेबर एक फेबर को दोस्तों कुछ मनाते हैं क्या हम लोग कोस्ट गार्ड डे कब मनाते हैं दोस्तों कोस्ट गार्ड डे जल्दी से बताइए दोस्तों सी एस एफ का एग्जाम देने जा रहे हो दोस्तों कोस्ट गार्ड कब मनाया जाता है जल्दी से बताएंगे ठीक है जल्दी जल्दी से बताइए क्या एक फेबर को मनाते हैं क्या कोस्ट गार्ड फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से हाँ एक फैब एक फैब ठीक है तो याद रखिए आठ अक्टूबर दोस्तों एयरफोर्स डे क्या दोस्तों एयरफोर्स डे और दोस्तों चार दिसंबर क्या दोस्तों चार दिसंबर नेवी डे क्या दोस्तों नेवी डे ठीक है आगे बढ़े और तीस जनवरी को दोस्तों तीस जनवरी को मार्टिस डे क्या दोस्तों मार्टिस डे ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों मैगस्थनीज दोस्तों Magistines किसके दूत थे एलेक्जेंडर के बिंदुसार के विल्सन के या सेल्यूकस के जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पे किसके भैया दूत था यहां पर मैगस्थनीज जल्दी से बताइए यहाँ पे सब कह रहे सर ए ऑप्शन होना चाहिए कुछ लोग कह रहे सर डी ऑप्शन होना चाहिए मिर्जापुर शिवानी कह रहे सर डी होना चाहिए ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर फोर सेल्यूकस दोस्तों आपको पता होना चाहिए अलेक्डर जो थे वो जब छोड़ के गए थे तो यहां पर किसको छोड़ गए थे सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर निकेटर को निकेटर को दोस्तों बाद में किसने हराया चंद्रगुप्त ने हराया किसने दोस्तों चंद्रगुप्त ने हराया और चंद्रगुप्त ने जब हराया दोस्तों तो इनकी बेटी से शादी हुई ठीक है दहेज में दोस्तों बहुत सारे हाथी मिले ठीक है पांच हाथी लगभग मिले थे और दहेज में दोस्तों मैगस्थीनीस भी मिला ठीक है देख सकते हो दोस्तों इंसान को ही दहेज में दे दिया यहाँ पर मैगस्थीनीस ने दोस्तों इन्होंने एक किताब लिखी है इंडिका क्या दोस्तों इंडिका अपने भारत के बारे में इसमें बहुत अच्छी तरीके से उल्लेख है इंडिका की किताब में ठीक है आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही रहा मेर, आ, मेरा खाता भाग्य विधाता इस स्लोगन ऑफ स्कीम दोस्तों यहाँ पे बताना है मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नारा है क्या वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना मेरा खाता भाग्य विधाता किसका है जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे नारा जो है ये कौन से स्कीम का है सभी लोग बताएंगे फटाफट से यहाँ पे कह रहे सर जनधन जनधन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के साथ ममता राहुल मिर्जापुर ऐश्वर्या सिद्धि बप्पी चंद्रवंशी वेरी गुड दोस्तों पे करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लॉन्च हुआ था दोस्तों जिसका नारा है दोस्तों क्या मेरा खाता भाग्य विधाता ठीक है भूलिए नहीं अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने हु वॉज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा दोस्तों प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे एम एम जीवी जी वी मवलंकर एम या फिर सरदार हुक्म सिंह जल्दी से बताइए दोस्तों फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर कौन थे सभी से पूछा गया है फटाफट फड़ से आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से ठीक है यहां पर आंसर आ रहा है से ऑप्शन नंबर टू होना चाहिए रजत का मिर्जापुर शिवांगी ऐश्वर्या बहुत बढ़िया दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू जीवी मावलंकर जिनका पूरा नाम दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर था उन्नीस में इलेक्शन हुए थे तो यही बने थे फिर दोस्तों स्पीकर वहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पे पहले स्पीकर तो ये हो गए पहली महिला स्पीकर कौन बनी मीरा कुमार दोस्तों कौन दोस्तों मीरा कुमार ये याद रखेगा अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रेजेंट में प्रेजेंट में कौन है ओम बिरला जी हैं कौन दोस्तों ओम बिरला जी हैं ये याद रखिएगा ठीक है ये किसकी बात हो रही है दोस्तों लोकसभा की बात हो रही है जिसका इलेक्शन उन्नीस बावन में हुआ था ये याद रखना है ठीक है और दोस्तों यहीं पर इक्यासी अनुच्छेद में है ये ये भी याद रखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया एज दोस्तों भारत में महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान डैश है या आपको बताना है मानव अलग या फिर गोभिनंदोन या फिर जादूगुड़ा या फिर वाशी जल्दी से बताए दोस्तों कौन सा है यहाँ पर यूरेनियम के लिए माइन आपसे पूछा गया है कहाँ पर है फटाफट फड़ से सभी लोग बताएंगे यहाँ पर कुछ लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है ठीक है यहाँ पे कह रहे सर सी 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 तो दोस्तों बिल्कुल जादू घोड़ा आपको पता होना चाहिए 1955 लगभग में या 51 में दोस्तों क्या किया गया था यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था लेकिन 1957 से दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया यूरेनियम को निकाला जाने लगा और जादू घोड़ा दोस्तों कहाँ पर है झारखंड में है क्या दोस्तों एक बार मुझे बताएंगे या फिर कहाँ पर है ये आप बताएंगे सही है या गलत है या फिर गलत है तो बताइए कहाँ पर है ठीक है जल्दी से बताइए ठीक है यहाँ पे कह रहे सर चलिए ओके सब बोल रहे सही है सही है चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दोस्तों एसन होवर ट्रॉफी रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट दोस्तों निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ यहां पर एसन होवर ट्रॉफी संबंधित है यह आपको बताना है गोल्फ से हॉकी से चेस से या फिर फुटबॉल से जल्दी से बताइए दोस्तों एसन होवर ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है यस चंद्रवंशी बिल्कुल सही है जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा एसन होवर ट्रॉफी पूछा गया है आपसे यहाँ पे कह रहे सर गोल्फ होना चाहिए ओके गोल्फ 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 तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हो यहाँ पे गोल्फ दोस्तों अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा था राइडर ट्रॉफी भी होता है क्या दोस्तों राइडर कप होता है ठीक है एक वॉकर कप होता है ठीक है वॉकर कप होता है एक कैनेडा ट्रॉफी होता है दोस्तों क्या होता है कनेडा ट्रॉफी ठीक है ये याद रखिएगा हॉकी से दोस्तों हम लोग ने क्या पढ़ा था सुल्तान अजलान शाह कप क्या दोस्तों अजलान शाह कप ठीक ठीक है है ये याद रखिएगा या आगा खान कप भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं फुटबॉल से दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा था पढ़ा था ठीक है क्या पढ़ा था? पढ़ा था था संतोष ट्रॉफी ठीक है ये भूलेंगे नहीं आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वॉज चेयर दोस्तों प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी क्या वो वीपी सिंह थे पीजी शाह थे कक्का कैलकर थे या फिर अनुप सिंह थे जल्दी से बताइए दोस्तों, यहां पे पहली जो बैकवर्ड क्लास थी उस उसके लीडर कौन थे हाँ पिछला बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का यहाँ पे सभी लोग बताएंगे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा ठीक है यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कक्का कालेकर दोस्तों यहां पे क्या होंगे करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी सुधा का करेक्ट आंसर है मिर्जापुर का है और किसका है राहुल पीजी नहीं है यहाँ पे कलकर केलकर सॉरी कक्का केलकर हैं जो कि उन्नीस में दोस्तों इनको क्या बना दिया गया था चेयर करने के लिए बोल दिया गया था ठीक है और आपको पता होना चाहिए दोस्तों नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास क्या दोस्तों नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास जो है वो 102 संशोधन के तहत आया है ठीक है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया है एनसीबीसी दोस्तों इसके लिए दोस्तों एक कमीशन बनाई गई थी मंडल कमीशन क्या दोस्तों मंडल कमीशन ये याद रखेगा ठीक है रिजर्वेशन से रिलेटेड है मंडल कमीशन आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दोस्तों माइकल फिलिप्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ फॉलोइंग स्पोर्ट यहां पे माइकल फिलिप्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है यह बताना है जिम्नास्टिक से बॉक्सिंग से साइकिलिंग से या फिर स्विमिंग से फटाफट फड़ बताइए दोस्तों माइकल फिलिप बहुत फेमस खिलाड़ी हैं दोस्तों ये इन्होंने बहुत सारे यहां पर गोल्ड मेडल भी जीत रखे हैं बताइए दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होंगे फटाफट फड़ बताने हैं सबके आंसर आ रहे हैं स्विमिंग 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 ओके चलिए तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों स्विमिंग दोस्तों अब तक इन्होंने 28 मेडल दोस्तों 28 मेडल कह रहा हूं दोस्तों गोल्ड मेडल नहीं 28 मेडल जीत चुके हैं जिसमें से तेईस गोल्ड है क्या दोस्तों तेईस गोल्ड है तीन सिल्वर हैं और तेईस तीन हो गए छब्बीस और दो दोस्तों यहाँ पे ब्रॉन्ज है ठीक है तो आप देख सकते हो यहाँ पर और दोस्तों अगर भारत से बात करें तो वीर धवल क्या दोस्तों वीर धवल जो है यहाँ पर क्या है एक स्विमर है ये याद रखेगा ठीक है दोस्तों एक स्विमर आपको पता होना चाहिए अपने यहाँ एक एक्टर एक के जो बेटे हैं पुत्र हैं उनके कौन है पुत्र वो एक स्विमर है उनका नाम आपको बताना है ठीक है जिम्नास्टिक में दोस्तों कौन अपने यहाँ से दीपा कामरकर कौन दोस्तों दीपा कामरकर ये याद रखिएगा ठीक है आपसे पूछा जा सकता है बॉक्सिंग से दोस्तों अपने यहाँ एमसी मैरीकॉम ठीक है एमसी मैरीकॉम बहुत अच्छी बॉक्सर है इनका नाम बिल्कुल मत भूलिएगा ठीक है थीके? आगे बढ़े हां यहां पे आर राघवन ठीक है भैया यहां पे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा दोस्तों द फिनोमिना ऑफ मिराज इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दोस्तों मिराज की परिघटना डैश के कारण होती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट से बताएंगे यहां पे कह रहे सर होना चाहिए डी ऑप्शन की वजह से टी की वजह से आदित्य कह रहे सर टी आई आर कह रहे सर टी आई आर सम्राट मीनू कह रहे सर बी ऑप्शन होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोस्तों यहां पर आप सबसे पहले समझना होगा मिराज होता क्या है कई बार दोस्तों जब आप हाईवे पे जा रहे होगे या फिर आप रेगिस्तान में जब जा रहे होगे तो आपको दूर से महसूस होता है रोड पर कि जैसे वहां पर पानी है पानी होता नहीं जब आप करीब जाते हो तो वहां पर पानी नहीं होता है उसको कहा जाता है फॉर्मेशन ठीक है तो वो दोस्तों टी आई आर की वजह से होता है टी आई आर की वजह से दोस्तों आपको पता है अपने ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर फाइबर दोस्तों फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही वर्क करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है जो सेवन कलर में टूट जाती है किसमें दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट ठीक है इनटू सेवन कलर उसको कहा जाता है डिस्पर्जन दोस्तों जैसे आपने रेनबो में देखा है दोस्तों आपको पता है सूरज की कैसी होती है वाइट कलर की होती है आपसे ये भी पूछा जाता है सन के जो लाइट होते हैं उसकी कलर क्या होती है वो वाइट होती है दोस्तों जैसे ही वो क्या होती है टकराती है किससे रेन ड्रॉप मतलब पानी की बूंद से पिरामिड का काम करता है वो दोस्तों किसमें कर देता है सात कलर में उसको कहा जाता है है ऑफ लाइट ठीक याद रखिएगा आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव हंड्रेड परसेंट इलेक्ट्रीफिकेशन हाउस होल्ड सौ प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है यह बताना है गुजरात आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश या फिर मेघालय जल्दी से बताइए दोस्तों ठीक है यहाँ पर हाँ जी बिल्कुल पिछला करेक्ट आंसर है हाँ रेनबो होता है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं यहाँ पे बताइए दोस्तों ऐसा कौन सा यहाँ पर राज्य है जिसको इलेक्ट्रिफिकेशन बोला गया है हंड्रेड परसेंट यहाँ पे पर कैसर होना चाहिए थ्री थ्री आंध्र प्रदेश कुछ लोग कह रहे हैं सर बी राहुल का करेक्ट आंसर है यहाँ पे आदित्य का करेक्ट आंसर है चंद्रवंशी का करेक्ट आंसर है और किसका है ठीक है तो दोस्तों जितने लोग ऑप्शन नंबर कह रहे हैं गुजरात दोस्तों ये याद रखिए गुजरात पे करेक्ट आंसर है दोस्तों गुजरात की कैपिटल क्या है गांधीनगर क्या दोस्तों गांधीनगर है अहमदाबाद वगैरह मत बोल दीजिएगा गांधीनगर है ठीक है अहमदाबाद को दोस्तों यूनेस्को का दर्जा मिल चुका है किसका दोस्तों अहमदाबाद को यूनेस्को का दर्जा मिल चुका है यहीं पर दोस्तों आपको वांस, वांसदा नेशनल पार्क मिलेगा क्या वांसदा या फिर मैं कहूँ ब्लैकबक नेशनल पार्क मिलेगा क्या मिलेगा ब्लैकबक मरीन नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा और गिर नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा दोस्तों जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू टू सेक्ट नोन एज दोस्तों जैन धर्म इनमें से किन दो संप्रदायों में विभिक्त है जल्दी से तो बताएंगे यहाँ पे कपालिका और कालामुखा महायान हीनयान आजीविका न्याय या फिर श्वेतांबर दिगंबर जल्दी से बताइए यहां पे राहुल कह रहे सर डी होना चाहिए रॉकर डी के साथ ऐश्वर्या डी के साथ बप्पी कह रहे सर बी दोस्तों जैनिस पूछा है। बुद्धिस्म नहीं पूछा है है नहीं जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं ना ध्यान से दोस्तों पढ़ लीजिएगा जैनिस पूछा गया है यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा श्वेतांबर और दिगंबर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे जैनिस में इसमें दोस्तों कितने तीर्थांकर थे चौबीस तीर्थांकर पहले कौन थे ऋषभ देव दोस्तों कौन ऋषभ देव ठीक है इन्हीं को दोस्तों आदित्यनाथ भी, भी कहा जाता है आदिनाथ ठीक है आदिनाथ भी कहा जाता है चौबीसवें दोस्तों महावीर थे कौन दोस्तों महावीर और दोस्तों ये दो सेक्ट में बटे हुए हैं श्वेतांबर जो दोस्तों सफेद कपड़े पहनते हैं उसको हम कहते हैं श्वेतांबर और दिगाम्बर दोस्तों जो न्यूड रहते हैं जिनको जो कहते हैं कि हमारा अंबर ही जो है हमारा पोशाक है तो उनको कहा जाता है दिगाम्बर ठीक है दोस्तों जो हीनयान और महायान कह रहे हैं ये दोस्तों आपको बुद्धिज्म में मिलेगा बुद्धिज्म के सेक्ट हैं दोस्तों ये ठीक है हीनयान महायान और वज्रयान तीन सेक्ट हैं आपको बुद्धिज्म में देखने को मिलेंगे ठीक है आगे बढ़े चलिए वेरी गुड uh, शिखा सोनू वेरी गुड चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा इन दोस्तों फीफा का मुख्यालय डैश में है पेरिस फ्रांस मोन्ते ज़ुरिक स्विट्ज़रलैंड या बुडापेस्ट हंगरी जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएंगे फीफा का आपसे पूछा गया है हेडक्वार्टर कहाँ पर है सभी लोगों को बताना है जल्दी जल्दी से बताएंगे जुरिक 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 सबका आंसर आ रहा है सर जुरिक होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा जुरिक स्विट्जरलैंड होगा और दोस्तों फीफा का स्टार्ट कब हुआ दोस्तों उन्नीस में स्टेब्लिश किया गया ना फीफा को ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ लेकिन दोस्तों उससे पहले जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया फटाफट से शेयर करेंगे और लाइक करेंगे ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ आर्टिकल इक्कीस है दोस्तों ये ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद से, से बत मतलब यहाँ पर सर एजुकेशन एजुकेशन तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा एजुकेशन ठीक है अगर इक्वेलिटी की बात करूं दोस्तों तो अनुच्छेद आता है आर्टिकल फोर्टीन के है ना अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे रिलीजन की तो दोस्तों अनुच्छेद पच्चीस से 28, क्या दोस्तों 25 से से ठीक है Equality, दोस्तों अठारह में आपको देखने को मिल जाएगी Freedom, दोस्तों, 19 में, दोस्तों, 19 में, ठीक है? अगला क्वेश्चन दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे वर्ष 1955 सौ पचपन में एसर राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी कालीबंगन की, की, लोथल धोलावीरा की, की या फिर मोहन जोदाड़ो की जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पे सिंपल क्वेश्चन है सभी लोग बताएंगे यहाँ पे बी ऑप्शन कह रहे हैं कुछ लोग ओके okay, बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों फटाफट से बताइए सभी लोग कह रहे सर बी होना चाहिए बी होना चाहिए तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा बी होगा क्या होगा दोस्तों लोथल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अगर हम प्रेजेंट लोकेशन के हिसाब से अगर देखें इसको तो ये गुजरात में भाई कहां पे गुजरात में लोथल आखिर प्रसिद्ध क्यों था यहां पे दोस्तों डॉकयार्ड पाया गया था क्या पाया गया था दोस्तों डॉकयार्ड मिला था ये याद रखेगा दोस्तों अगर मैं बात करू इंडस सिविलाइजेशन की इंडस सिविलाइजेशन ये जो शब्द है ये दोस्तों पहली बार किसने यूज किया था किसने टर्म इंट्रोड्यूस किया था जॉन मार्शल ने किसने दोस्तों जॉन मार्शल ने ठीक है दोस्तों इंडस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है दोस्तों क्योंकि हड़प्पा की खोज पहले हुई थी कब हुई थी 1921 में हुई थी किसने की थी दोस्तों डी आर साहनी दयाराम साहनी जी ने की थी ठीक है अगर मैं बात करूं हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है रावी नदी के किनारे है ये याद रखिएगा ठीक है दोस्तों यहीं पर आपको क्या मिला था ग्रेनरीज मिली थी क्या मिली थी ग्रेनरीज मिली थी ठीक है याद रखेंगे मोहन जोदाड़ो की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों मोहन जोदाड़ो सी नदी के किनारे दोस्तों ये इंडस यहाँ पर पाया क्या गया था दोस्तों ग्रेट बाथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक बहुत बड़ा स्विमिंग जैसा मिला था इनको ठीक है जिसके किनारे किनारे रूम थे और ये नहाने के लिए था इसको कहा जाता है ग्रेट बाथ ठीक है आगे बढ़े बहुत बढ़िया अंकित बिंदास छाया ठीक है अनामिका बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा दोस्तों यहाँ पे पूछा गया बंडोकर गोल्ड ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विध विच स्पोर्ट दोस्तों आपको बताना है बंडोकर गोल्ड ट्रॉफी जो है वो किस खेल से जुड़ी हुई है क्या वो फुटबॉल से है टेनिस से है गोल्फ से है या फिर खो खो से है सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से फटाफट बताइए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग को बताना है यहां पर कह रहे सर होना चाहिए टेनिस टेनिस तो दोस्तों जानकर हैरानी हो जाएगी दोस्तों अगर आप आंसर सही नहीं कर रहे हो डी ऑप्शन कह रहे कई लोग खोखो कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है फुटबॉल है क्या दोस्तों फुटबॉल है बंडोकर ट्रौ, गोल्ड ट्रॉफी जो है वो किससे फुटबॉल से याद रखिएगा दोस्तों भूलिएगा नहीं टेनिस में दोस्तों आपको बहुत सारे मिलेंगे जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या मिलेगा दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन मिलेगा ठीक है यूएस ओपन मिलेगा फ्रेंच ओपन मिलेगा विम्बल्डन मिलेगा ठीक है ये याद रखेगा आपसे पूछ लिया जाता है ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े ए इज़ द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन दोस्तों विथ विच स्पोर्ट इज द बेगम हज़रत महल कप एसोसिएटेड बेगम हज़रत महल कप किस खेल से संबंधित है क्या वो हॉकी से है क्रिकेट से है कबड्डी से है या फिर फुटबॉल से, से, से है जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे बेगम हज़रत महल किससे रिलेटेड है देखते हैं किसका सही आता है और दोस्तों इसमें गलती मत करिएगा ये दोस्तों दो क्वेश्चन मैंने कंटिन्यू इसलिए रखे हैं कि आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाए गलतियाँ ना हों ठीक है इसका आंसर दोस्तों हाँ कुछ लोग सही दे रहे हैं कि सर फुटबॉल होना चाहिए इसका ठीक है यस डेड ऑफ डेविल गुड मॉर्निंग करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा फुटबॉल होगा क्या होगा दोस्तों फुटबॉल होगा अब लीजिए दोस्तों दो क्वेश्चन में तो आप ऐसे ही फंस गए ऐसे कैसे चलेगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर फुटबॉल है यस फोर्थ ऑप्शन जितने भी लोग कह रहे हैं दोस्तों उनका करेक्ट आंसर है ठीक है हाँ जी बहुत बढ़िया ठीक है और दोस्तों यहाँ पे एक क्रिकेट जो कई लोग कह रहे थे क्रिकेट नहीं होगा दोस्तों क्रिकेट से आपका कौन सा होता है रणजी होता है ठीक है देवधर होता है क्या दोस्तों देवधर होता है एशेस होता है ठीक है रिलायंस होता है ये सारे आपके क्रिकेट से संबंधित है ठीक है दोस्तों यहाँ पे हॉकी से ध्यानचंद होता है क्या दोस्तों ध्यानचंद कप होता है ठीक है याद रखिएगा आगा खान कम ठीक है सुल्तान अजलान शाह कप ठीक है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों हु ऑस नोन एज देव नाम प्रिया या फिर प्रियर्शी दोस्तों देव नाम प्रिया या प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है ये बताइए अशोक मौर्य को बिंदुसार मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य को या फिर महापद्मानंदा

ठीक है ये भी याद रखिएगा दोस्तों जब इनके पिता जिंदा थे अब इनके पिता कौन थे बिंदुसार कौन दोस्तों इनके पिता बिंदुसार थे जब वो जिंदा थे तब ये दोस्तों गवर्नर थे कहाजैन के उज्जैन के 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 दोस्तों उज्जैन याद रखेगा है? और दोस्तों यहां पर अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था दो सौ इकसठ में ठीक है इनको राजा बनाया गया था दोस्तों टू सिक्सटी नाइन में ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन का अच्छा दोस्तों इनके पुत्र कौन थे महेंद्र कौन दोस्तों नहीं तो थो तो थो तो तो महेंद्र और पुत्री कौन थी संघमित्रा क्या दोस्तों संघमित्रा ठीक है दोस्तों दोस्तो, अशोक ने बुद्ध को फॉलो किया था और महेंद्र को और दो संगमित्रा को दोस्तों इन्होंने श्रीलंका में भेज दिया था बुद्ध प्रचार के लिए दोस्तों किसके लिए बुद्ध प्रचार दोस्तों श्रीलंका एक पहला देश है जहां पर बुद्ध के प्रचार सबसे पहले किए गए थे ठीक है आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ऑफिसर हाँ, बिटिया बिल्कुल सही बता रहे हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों हु द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था रॉबर्ट पेरी रोवाल्ड रोवालमर्सन एलेक्सी लिनोव या फिर एरिक वेहन मेयर जल्दी से बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा शिवानी कह रहे सर ऑप्शन नंबर वन होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों फटाफट -फड़ बताएंगे कुछ लोग कह रहे सर ऑप्शन नंबर टू होना चाहिए ठीक है तो दोस्तों जितने लोग ऑप्शन नंबर गिरीश का करेक्ट आंसर है मिर्जापुर का करेक्ट है बप्पी का करेक्ट है बहुत बढ़िया जितने भी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू के साथ जा रहे हैं रोनाल्ड एमरसन यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे जो कि यहां पे कहां पे दक्षिणी जो पोल है उस पर सबसे पहले गए थे ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने हु द फर्स्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे क्या वो अब्राहम लिंकन थे जॉर्ज बुश थे या जॉर्ज वॉशिंगटन या फिर थॉमस जेफरसन जल्दी से बताइए दोस्तों और दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे और क्या करेंगे शेयर करेंगे जल्दी जल्दी से और यहाँ पे आंसर भी करेक्ट बताते हुए चलना है सबको यहाँ पर आ रहा है सर होना चाहिए ठीक है जॉर्ज वाशिंगटन जॉर्ज वाशिंगटन कह रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे जॉर्ज वाशिंगटन दोस्तों 1789 के आसपास इन ये बने थे ये याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे ओबामा जी भी बन चुके हैं ठीक है दोस्तों ओबामा जी की वाइफ ने एक बुक भी लिखी है क्या वो बिकमिंग है क्या दोस्तों बिकमिंग जल्दी से बताइए सभी लोग बताएंगे ओबामा जी की वाइफ जो है उन्होंने एक किताब लिखी है ओबामा जी, जी की वाइफ मिशेल ओबामा क्या वो बिकमिंग है यस और नो अगर यस है तो फिर आगे बढ़ते हैं नो है तो बताइए किसने लिखी है सी सी ऑप्शन हाँ जी सी ऑप्शन हाँ यहाँ पे करेक्ट आंसर है कह रहे या सर बिकमिंग है ठीक है आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों दोस्तों लव लव इज एसोसिएटेड विद ऑफ द फॉलोइंग गेम्स पे शब्द जो है वो निम्नलिखित में से किस किस खेल से संबंधित है टेनिस से है क्रिकेट से है पोलो से है या फिर बिलियर्ड बिलियार से? लव दोस्तों ये जो लव शब्द है ये किस खेल से संबंधित है ये आपसे पूछा गया है जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट से बताना है सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों लव तो टर्म भी ऐसा है कि आप भूलोगे भी नहीं ना, है ना तो पे कह रहे सर टेनिस Actually, लव का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर कोई दो स्कोरर है मान लीजिए एक तरफ गौरव है ठीक है दूसरी तरफ मान लीजिए कोई भी मनोज कोई भी आदमी का नाम लिख देते हैं मनोज है अब दोस्तों गौरव ने कोई एक स्कोर कर दिया तो गौरव का वन हो जाएगा मनोज का क्या बोलेंगे यहाँ पे बोलेंगे वन लव मतलब गौरव का वन है बाकी वाले का जीरो है ठीक है तो दोस्तों लव का मतलब हो गया यहाँ पे जीरो इसका मतलब है जो लव करते हैं ठीक है थीके? उनकी प्रगति नहीं हो पाती वो जीरो पे रहते हैं तो पहले प्रगति हासिल करनी मतलब सक्सेस हासिल करना है बाद में लव करना है ठीक है पहले लव करोगे तो जीरो हो जाएगा आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द शेड्यूल रिलेटेड टू द पंचायती राज सिस्टम इज दोस्तों भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था किस किससे संबंधित है नौ दस आठ और ग्यारह जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट से जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे ठीक है यहां पे कह रहे सर होना चाहिए ग्यारहवीं 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 तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा ग्यारहवीं से होगा यहाँ पे दोस्तों कौन से अमेंडमेंट के तहत आया था ये सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत आया था जहां पे दोस्तों भाग नाइन दोस्तों भाग नौ में क्या कर दिया गया था सम्मिलित कर दिया गया था अगर मैं यहाँ पे अनुसूची की बात करूं तो ग्यारह तो आपने ही लिया ठीक है आर्टिकल दोस्तों आर्टिकल 273 था क्या दोस्तों जल्दी से बताइए पंचायती से रिलेटेड ठीक है पंचायत दोस्तों सबसे पहले किसने लागू की थी यहां पर राजस्थान ने किया था किसने दोस्तों राजस्थान ने किया था किस जिले ने किया था नागौर जिले ने किया था दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम किसे कहा जाता है दोस्तों बलवंत राय मेहता जी को किसको दोस्तों बलवंत राय मेहता जी को ठीक है इन्होंने थ्री टीयर सिस्टम का सजेशन दिया था और दोस्तों थ्री टीयर सिस्टम अपने यहाँ पे है भी जिला ब्लॉक और विलेज लेवल पे ठीक है अगर मैं बात दोस्तों यहां पे फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट जब फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट पूछेगा तो आपको क्या कहना है रिपन लॉर्ड रिपन क्या है दोस्तों लॉर्ड रिपन ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए वेरी गुड यहां पे ऑफिसर बिटिया अंकित पुरुषोत्तम

अश्वर्या वेरी गुड म्यूजिक इज द करेक्ट आंसर दोस्तों आपको पता है अपने यहाँ क्लासिकल म्यूजिक जो है दोस्तों दो भाग में बटी हुई है किसमें दोस्तों एक तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में किसमें दोस्तों हिंदुस्तानी म्यूजिक में और दूसरी बटी हुई दोस्तों कर्नेटिक में किसमें दोस्तों कर्नेटिक म्यूज़िक में दोस्तों हिंदुस्तानी म्यूजिक आपको साउथ दक्षिण भारत में नहीं ये आपको उत्तर भारत में मिलेगा ठीक है कर्नेटिक दोस्तों आपको दक्षिण भारत में मिलेगा दोस्तों हिंदुस्तानी म्यूजिक दोस्तो में आपको घराना कहा जाता है घराना मिलेंगे ठीक है यहाँ पे दोस्तों कोई भी घराना नहीं मिलेगा दोस्तों ये इंडिजीनियस नहीं है ये इंडिजीनियस नहीं है ये इंडिजीनियस है क्यों दोस्तों कहा जाता है इसमें भी किसका इन्फ्लुएंस है हिंदुस्तानी में अरेबियन और पर्शियन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है ठीक है आगे बढ़े चलिए और दोस्तों यहाँ पे कर्नेटिक के फादर किसे कहा जाता है फादर ऑफ कर्नेटिक म्यूजिक तो पुरंदर दास क्या दोस्तों पुरंदर दास याद रखिएगा दोस्तों एम में तो वैसे भी भर भर के पूछ रहे हैं म्यूजिक फेस्टिवल फेयर और ये सबसे क्वेश्चन आ ही रहे हैं ठीक है अगला ठी क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे ऑफ राजस्थान दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है क्या वो सितोर है बनवाली है कालीबंगल है या फिर लोथल है जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा अंकित जी ये क्लास आज आपके लिए स्पेशल क्लास है वैसे अगर मैं बात करूँ सी की अगर आप क्लास की बात कर रहे हो तो मंडे और ट्यूसडे को आपकी सी क्लास लगेगी दोस्तों कितने बजे लगेगी दोपहर दो से तीन बजे तो आप वहां पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो ठीक है शाम को दोस्तों छह से सात लगती है जहां पर हम एम के दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करते हैं ठीक है डेली बेसिस पे और दोस्तों रात को ग्यारह से बारह जीके का जगराता होता है यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे कब दोस्तों मंडे टू फ्राइडे ये याद रखेगा ठीक है यहाँ पे सी ऑप्शन सी ऑप्शन तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन काली कालीबंगन और दोस्तों काली कालीबंगन में क्या मिला था ब्लैक बैंगल्स दोस्तों अपन ने क्या याद किया था ब्लैक बैंगल्स कैसे याद किया था दोस्तों काली मतलब ब्लैक

बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हाँ पिछला तो सही आंसर है सभी का कालीबंगन यहां पे सब कह रहे सर पशुपति दोस्तों बिल्कुल पशुपति दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर और दोस्तों मदर गॉडेस की पूजा करते थे किसकी दोस्तों मदर गॉडेस की पूजा करते थे और मदर गॉडेस कौन थी दोस्तों मैत्री देवी कौन सी दोस्तों मैत्री देवी ये भी याद रखेगा ठीक है और पशुपति जी की भी पूजा किया करते थे ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ वेरी गुड ऑफिसर बिटिया सचिन ऐश्वर्या सत्या चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किसका एक उत्पाद है मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम का कैल्शियम का और सोडियम का जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पे आंसर क्या होगा सभी लोग बताएंगे फटाफट -फड़ से किस क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस आपसे पूछा गया है यहां पे ठीक है आंसर आ रहा है ठीक है कैल्शियम 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 ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम यहाँ पे और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों CSO4. कितना H2 होता है जल्दी से बताइए सभी लोग कितना एच टू होता है ठीक है आगे बढ़े सोडियम का दोस्तों आपको पता है एन ए से शो किया जाता है एल्यूमिनियम को ए एल से और मैग्नीशियम को दोस्तों एम जी से ठीक है और मैग्नीस को दोस्तों एम एन से क्या दोस्तों मैगनीस को ठीक है याद रखेगा आगे बढ़े यहाँ पे हाफ एच टू कह रहे हैं सेमी हाइड्रेट ठीक है सेवन एच टू सेवन एच टू तो नहीं होगा दोस्तों हाँ चलिए अगला क्वेश्चन हाँ वेरी गुड विवेक अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड इलेवन द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है तेलुगु तमिल बंगाली और मराठी दोस्तों आपके एम में पूछा गया था सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा ठीक है फटाफट बताइए यहां पे क्या होगा हां योगेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका योगेन ओके ओके लवर भी है क्लास में ठीक है ओके यहां पे कह रहे सर मराठी होनी चाहिए कुछ लोग कह रहे सर तमिल तो दोस्तों यहां पे होगी मराठी दोस्तों पहले नंबर पे क्या है हिंदी है क्या दोस्तों हिंदी है दूसरे नंबर पे दोस्तों बंगाली है तीसरे नंबर पे दोस्तों मराठी है

कुछ लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू भी कह रहे हैं दोस्तों जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है दोस्तों जितने लोग ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं नाइलॉन इज द करेक्ट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है इम्फाल पोर्ट ब्लेयर अजावल या शिमला बड़े आसानी से दोस्तों आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो इसको ठीक है कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इम्फाल हमें पता है दोस्तों मणिपुर का है किसका दोस्तों मणिपुर का है इजावल हमें पता है दोस्तों मिजोरम का है ठीक है शिमला हमें पता है हिमाचल प्रदेश का है अब बचा एक ही ऑप्शन दोस्तों पोर्ट ब्लेयर दोस्तों ऐसे भी किया जाता है क्वेश्चन कई बार क्या होता है ना दोस्तों करेक्ट आंसर हमें नहीं पता होता है लेकिन हमें ये पता होता है कि जो दूसरे ऑप्शन है ये तो आंसर नहीं है क्योंकि इनका आंसर ये है ठीक है तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड इसको कहा जाता है अगला क्वेश्चन दोस्तों द मैमल दैट लेज एग दोस्तों वह स्तनपाई जो अंडे देता है ओपेसम ओटर, कंगारू या डक बिल्ड प्लेटिपस जल्दी पता है दोस्तों कौन सा ऐसा मैमल है मतलब करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहां पे फोर्थ क्या होगा डक बिल्ड प्लेटिप जो है दोस्तों मैमल है? जो एग, ले दे, एग देता है तो आप दोस्तों पूरा नाम मत याद करिए प्लेटिप याद रख लीजिए क्या दोस्तों प्लेटिपस ठीक है पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है प्लेटिपस याद रख लीजिए ठीक है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अशोक एंड एडिक दोस्तों अशोक के अध्यादेशों की लिपि क्या है देवनागरी ब्राह्मी गुरुमुखी या हेरोग्लिफिक जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा सभी लोग बताएंगे हाँ अंकित जी बिल्कुल डेली क्लासेस होंगी टेंशन मत लीजिए और वैसे भी अपन एमटीएस की डेली क्लासेस कर रहे हैं ठीक है छः बजे भी और सात बजे भी रात को यहाँ से सीआईएसएफ की भी आ जाएगी मंडे ट्यूसडे को होगा फिर उसके बाद तो पेपर ही है यहाँ पे कह सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 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 तो दोस्तों करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर होगा होगा ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि लिपि क्या दोस्तो? यहां पे अच्छा दोस्तों दोस्तों पे बुध... अच्छा बुद्धिस्ट में अगर हम देखा जाए या बुद्धा के समय में देखा जाए तो कौन सी लैंग्वेज थी पाली लैंग्वेज ठीक है अगर जैनिज्म की हम बात करते हैं किसकी दोस्तों जैनिज्म की हम बात करें तो वहाँ पे दोस्तों प्राकृत लैंग्वेज तो कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों द फाउल स्मेल ऑफ बटर इज ड्यू टू दोस्तों बासी मक्खन की दुर्गंध डैश की वजह से आती है ब्यूट्रिक एसिड की वजह से पैलमेथिक एसिड की वजह से स्टेरिक एसिड या फिर कैप्रोइक एसिड जल्दी से बताइए दोस्तों कई बार आपने देखा होगा जो बटर होता है मक्खन होता है थोड़ा सा बासी हो जाता है खराब हो जाता है तो उसमें से बदबू सी आती है वो किसकी वजह से आती है ये आपसे पूछा गया है जल्दी से बताएंगे यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है बहुत बढ़िया तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर जितने लोग ब्यूट्रिक एसिड कह रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ब्यूट्रिक से बटर बटर ब्यूटी आता है और ब्यूट्रिक में भी आता है ठीक है दोस्तों यहां पे पाम पाम मतलब ये दोस्तों पाम ऑयल में रहता है किसमें दोस्तों पाम ऑयल में ठीक है ये याद रखिएगा पूछ लिया जाता है दोस्तों कि किस में रहता है पाम ऑयल में दोस्तों कैप्रोइक जो है दो तो आपको चीज में मिलेगा किसमें दोस्तों चीज में ठीक है चीज में आपको कैप्रोइक एसिड देखने को मिलेगा अगर मैं बात करूं दोस्तों टोमेटो में टोमेटो में क्या मिलेगा ऑक्सिलिक एसिड क्या दोस्तों ठीक है अगर मैं बात करूं आपको दोस्तों यहां पर टोमेटो में हो गया विनेगर में। विनेगर में एट, क्या देखने को मिलता है ठीक है इमली में दोस्तों टाट्रिक एसिड क्या दोस्तों टाट्रिक एसिड ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने द फाउंडर ऑफ द गुप्ता गुप्त वंश का संस्थापक कौन था कुमार गुप्त चंद्रगुप्त श्रीगुप्त या फिर समुद्रगुप्त जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आ, हाँ सिरका में पाया जाता है बिल्कुल विनेगर सी एच थ्री सी ओ एच उसका फॉर्मूला है ठीक है एसिटिक एसिड हम बोलते हैं उसको यहाँ पे थ्री 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 कुछ लोग कह रहे सर ए होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे जितने लोग थ्री ऑप्शन के साथ जा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है दोस्तों गुप्ता डायनेस्टी को क्या कहा जाता था क्लासिकल पीरियड क्या कहते हैं दोस्तों क्लासिकल पीरियड कहते हैं या फिर गोल्डन पीरियड क्या दोस्तों गोल्डन पीरियड यहाँ पे दोस्तों फाउंडर कौन थे श्रीगुप्त लास्ट किंग कौन थे दोस्तों विष्णुगुप्त कौन दोस्तों विष्णुगुप्त थे ये याद रखिएगा ठीक है विष्णुगुप्त अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ चंद्रगुप्त वन ने टाइटल क्या लिया था दोस्तों उन्होंने लिखा था महाराजाधी राजा क्या दोस्तों महाराजाधी राजा ठीक है समुद्रगुप्त क्या दोस्तों समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था इंडियन नेपोलियन क्या कहते दोस्तों इंडियन नेपोलियन कहाते थे ठीक है चंद्रगुप्त टू की बात करता हूं दोस्तों तो उनको क्या कहा जाता था विक्रम आदित्य कहा जाता था कुमार गुप्ता दोस्तों गुप्ता डायनेस्टी के फेमस थे यहाँ पे किंग जिन्होंने नालंदा बनवाया था क्या दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में याद रखिए इन्होंने बनवाया था बाद में दोस्तों इसको ध्वस्त कर दिया गया था बख्तियार खिलजी द्वारा ठीक है ये याद रखिएगा आगे बढ़े चलिए

क्या दोस्तों फंगी। दोस्तों फंगी एलगी किसके अंतर्गत पूछ लिया जाता है सभी लोग बताएंगे फंगी की स्टडी को क्या कहा जाता है ठीक है ये याद रखेंगे जल्दी और दोस्तों पेंसिलिन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों पेंसिलिन किसने खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसने दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों पेंसिलिन की खोज की थी ये याद रखेंगे ठीक है यस yes, यहां पर खिलाड़ी ने सही बताया है सर माइकोलॉजी होनी चाहिए राज ठाकुर जी बिल्कुल सही बता रहे हैं ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अच्छा दोस्तों माइकोलॉजी तो आपने बता दी तो फिर फाइकोलॉजी क्या है फाइकोलॉजी किससे है फाइकोलॉजी ठीक है आप लोग आंसर बताएंगे तब तक आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फाइकोलॉजी किसको फेकोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी इसको बोला जाता है बताइए किससे पेपर वॉज इन्वेंटेड इन दोस्तों कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था इजिप्ट ग्रीस चाइना और इंडिया जल्दी से बताइए यह yeah, सभी का सवाल सवाल आंसर कर दिया बिल्कुल है, है जो एलगी है दोस्तों उसको कहा जाता है एलगी की स्टडी को फेकोलॉजी ठीक है फटाफट बताइए दोस्तों पेपर का आविष्कार कहाँ पर हुआ था कौन से देश में हुआ था सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है चाइना 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 तो दोस्तों करेक्ट आंसर है यहाँ पे चाइना ठीक है अगला अच्छा दोस्तों इजिप्ट की कैपिटल क्या है दोस्तों इजिप्ट कायरो इजिप्ट बहुत रोता है तो अपन लोग पूछते हैं काय को रो तो कायरो चाइना की दोस्तों बीजिंग ठीक है इंडिया की दोस्तों और न्यू दिल्ली ग्रीस की आप कैपिटल आप यहां पर आंसर करेंगे ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े चले। व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंडियन नेवी डे अभी दोस्तों हमने देखा था यहाँ पे हर वर्ष किस दिन को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 जुलाई 4 दिसंबर 8 अक्टूबर या फिर 1 अक्टूबर फटाफट बताइए जल्दी से बताइए यस अश्वर्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है चलिए यहाँ पे फटाफट बताइए यस बिल्कुल सही यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा

यहां पे कुछ लोग कह रहे हैं सर बी होना चाहिए ओके कुछ लोग कह रहे सर डी होना चाहिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ठीक है जितने लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर कह रहे हैं। वेरी गुड खिलाड़ी दिव्यांश हाँ पटचित्र वेरी गुड ऑफिसर बिटिया यहां पे पटचित्र दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ये क्वेश्चन आपके एम के एग्जाम में पूछा गया वर्ली दोस्तों महाराष्ट्र में साजी दोस्तों यूपी में मधुबनी दोस्तों आपको बिहार में तो दोस्तों आप देख सकते हो कोई भी पेंटिंग आपसे पूछ सकते हैं तंजोर पेंटिंग आपसे पूछ लेंगे कल तंजोर पेंटिंग तमिलनाडु ठीक है आपसे कोई भी पेंटिंग पूछी जा सकती है पटचित्र ऑलरेडी पूछी गई है ठीक है आगे बढ़े वेरी गुड आगे अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दोस्तों टर्शरी सेक्टर इंक्लूड्स यहाँ पे तृतीय क्षेत्र में शामिल है मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्टिंग माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों तीन सेक्टर होते हैं तीन सेक्टर कौन कौन से होते हैं एक तो आपका होता है प्राइमरी सेक्टर दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्शरी दोस्तों प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर जहां से हमें लॉ सॉरी रॉ वगैरह मिले सेकेंडरी में आता है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग ठीक है दोस्तों टर्शरी में आता है सर्विस जैसे कि बैंकिंग हो गई ठीक है ट्रांसपोर्टेशन ये सब सर्विस ही तो है तो ऑप्शन नंबर डी के साथ सब जा रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है किसकी बात की गई थी टर्शरी की बात की गई थी तो हम सर्विस बताएंगे सर्विस में आता है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों लास्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी दोस्तों चोल राज के अंतिम शासक कौन थे चोल, राजेंद्र चोल विजयाल चोल या फिर गोलू थुंगा चोल तृतीय जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए यहां पर फटाफट से हाँ जी इसकी पी डी एफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे टेलीग्राम की मैं आपको लिंक भी एक बार दे देता हूं लाइव चैट पे वैसे में क्लास के बाद भी आप लोगों को एक बार लिंक में दे दूंगा, में, कह रहे, कुछ लोग सी कह रहे हैं करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र चोल तृतीय दोस्तों विजयालय चोल ये तो फाउंडर थे क्या थे दोस्तों फाउंडर थे ठीक है दोस्तों राज राज चोल वन दोस्तों राज राज चोल वन जो थे उन्होंने क्या बनाया था वृद्धेश्वर मंदिर क्या बनाया था, था। कहां पर दोस्तों कहां दोस्तो, तंजोर तंजोर कहा दोस्तो, कावेरी नदी के किनारे दोस्तों कावेरी रिवर के किनारे ठीक है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन दोस्तों पेंसिल इज प्लेस्ड अपरा ठीक है हाँ विच द फॉलोइंग लिटरेरी सोर्स डज नॉट बिलोंग टू पॉपुलर पोएट दोस्तों निम्नलिखित यहाँ पर साहित्यिक में से कौन लोकप्रिय कवि कालिदास से संबंधित नहीं है मालविकाग्निमित्रम मुद्राक्षा अभिज्ञान शकुंतलम या फिर मेघदूतम आपको बताना है कालिदास से संबंधित कौन सी किताब नहीं है जल्दी से बताइए फटाफट फड़ से यहां पर बी ऑप्शन कह रहे हैं ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों बी 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 सभी का ऑप्शन जा रहा है चलिए यहां पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा मुद्र करेक्ट आंसर होगा ठीक है क्या होगा मुद्राक्षा किसकी दोस्तों है विशाखा दत्त की किसकी दोस्तों विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है मुद्र राक्षा ठीक है दोस्तों बान भट्ट अगर पूछ लेता दोस्तों बानभट्ट द्वारा दोस्तों हर्षचरिता कौन सा दोस्तों हर्षचरिता और कदम्बरी क्या दोस्तों कदम्बरी ठीक है और बाकी दोस्तों महा मालविका अग्निविक्रम अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम ये सारी की सारी कालिदास द्वारा लिखी गई है ठीक है अगला क्वेश्चन विच शॉर्टकट की इज यूज टू अप्लाई और रिमूव बोल्ड फॉर्मेटिंग इन एमएस एक्सेल दोस्तों एमएस एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेटिंग को यहाँ पे लागू करने या फिर हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस ए ए कंट्रोल प्लस बी कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस डी जल्दी से बताइए फटाफट फड़ से बताइए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा और दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है फटाफट फड़ से शेयर करेंगे और क्या करेंगे लाइक करते हुए चलेंगे जल्दी जल्दी से यहाँ पर सर बी ऑप्शन होना चाहिए राहुल बपी लवर ओके, दिव्यांश सोनू वेरी गुड सिद्धि यहां पे कैंड आंसर होगा कंट्रोल प्लस बी अगर दोस्तों कंट्रोल प्लस ए दबाते हो तो ए हो जाएगा ऑल सारा सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी दबाते हो तो सी हो जाएगा कॉपी क्या दोस्तों सी से कॉपी ए से ऑल और बी से बोल्ड क्या दोस्तों बी से बोल्ड ठीक है कंट्रोल प्लस डी दबाते हो दोस्तों तो डुप्लीकेट हो जाएगा क्या हो जाएगा डुप्लीकेट हो जाएगा ठीक है याद रखेगा डुप्लीकेट हो जाएगा ठीक है डी से डुप्लीकेट ठीक है अगर आपको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू ठीक है यू से अंडरलाइन ठीक है पेस्ट करना है अब देखिए पेस्ट में बड़े लोग कंफ्यूज हो जाएंगे पेस्ट का बताइए बताइए फटाफट से पेस्ट के लिए शॉर्टकट की यूज क्या करते हैं यस छाया रिंकी कंट्रोल प्लस यू अच्छा वो अंडरलाइन के लिए हाँ पेस्ट के लिए क्या करते हैं yes, यस शिवांगी ने करेक्ट कहा पी नहीं दबाते दोस्तों कंट्रोल प्लस वी दबाते हैं क्या दबाते हैं दोस्तों कंट्रोल प्लस वी ठीक है पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी अगला क्वेश्चन नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है पंद्रह जनवरी पच्चीस जनवरी पंद्रह फरवरी या फिर पच्चीस फरवरी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों कोई भी गलत नहीं करेगा जल्दी से बताइए यहां पे हाँ कंट्रोल वी ठीक है पच्चीस पहचीस लेकिन पच्चीस तो दो ऑप्शन में दोस्तों अच्छा पच्चीस क्या जनवरी 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 तो दोस्तों करेक्ट आंसर है पच्चीस जनवरी ठीक है आपको पता होना चाहिए दोस्तों पहले वोटर्स इक्कीस था उम्र लेकिन फिर बाद में उसको घटा के 18 कर दी गई कौन से संशोधन के तहत इकसठवें संशोधन के तहत ये याद रखेगा ठीक है पच्चीस जनवरी को मनाया जाता है वोटर्स डे किस अनुच्छेद के तहत हम वोट करते, तो करते हैं दोस्तों तो अनुच्छेद 326 के तहत हम वोट करते हैं ठीक है दोस्तों आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन कौन से अनुच्छेद के तहत आता है दोस्तों तो 324 के तहत आता है अभी दोस्तों इलेक्शन कमिश्नर कौन है राजीव कुमार है कौन दोस्तों राजीव कुमार है पहले सुशील चंद्रा थे अब वो हट चुके हैं अभी कौन है राजीव कुमार ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों डोरेंट कप इज एसोसिएटेड विद दोस्तों डोरेंट कप किससे संबंधित है फुटबॉल से है क्रिकेट से है बैडमिंटन से है हॉकी से अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों जब हम एक्स्ट्रा फैक्ट कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको डोरेंट कप के लिए भी बताया था जल्दी से बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे ए ऑप्शन कह रहे हैं सब लोग फुटबॉल फुटबॉल ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा फुटबॉल होगा ठीक है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन दोस्तों ढोलावीरा इज द साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन विच ये तो हो चुका है शायद ठीक है हाँ हु इन्वेंटेड डायनामाइट दोस्तों आपको बताना है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया मैरी क्यूरी अल्फ्रेड नोबल जोसेफ ब्लैक या फिर डेनियल रदरफोर्ड जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे डायनामाइट की खोज किसने की ये पूछी गई है आपसे सभी लोग बताएंगे दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट फड़ बताना है यहां पर आ रहा है सर होना चाहिए एल्फ्रेड नोबल एल्फ्रेड नोबल दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एल्फ्रेड नोबल दोस्तों आपको पता होना चाहिए जिन्होंने डायनामाइट की खोज की है किसकी दोस्तों डायनामाइट की और दोस्तों इन्होंने इन्हीं के नाम पर नोबल पुरस्कार स्टार्ट कर दिया गया ठीक है नोबल प्राइज दोस्तों पहली बार उन्नीस में दिए गए ठीक है ये याद रखिएगा यहां से पूछा जा सकता है मैरी क्यूरी ने किसकी खोज की थी दोस्तों जल्दी से बताइए मैरी क्यूरी ने किसकी की थी सभी लोग बताएंगे यहां पर ठीक है मैरी क्यूरी ने हाँ नोबल पुरस्कार इन्हीं के नाम पर है अभी तक तो नहीं हाँ रेडी यहाँ पे शिवांगी ने दिया है ठीक है और किसने आंसर दिया अभी किसी का नहीं आंसर आया यस yes, दिव्या ने करेक्ट आंसर दोस्तों रेडियो एक्टिविटी क्या दोस्तों रेडियो एक्टिविटी दी गई थी किसके द्वारा मैरी क्यूरी के द्वारा ठीक है अगला क्वेश्चन विच सिटी नेम एज द अवंतिका इन एशियन टाइम दोस्तों आपको बताना है प्राचीन काल में किस शहर का नाम अवंतिका के नाम से था उज्जैन भोपाल वाराणसी और जयपुर दोस्तों आपको पता होना चाहिए सोलह महाजनपद थे कितने दोस्तों सोलह महाजनपद थे जिसमें से सबसे बड़ा महाजनपद मगध था ठीक है सबसे बड़ा और स्ट्रांग यही दोस्तों सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया था युद्ध में किसका एलिफेंट का यूज किया दोस्तों यहाँ पे अवंतिका जो कहा जाता था वो किसको कहते थे उज्जैन को किसको दोस्तों उज्जैन को कहा जाता था याद रखेंगे दोस्तों महाजनपद में एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था वो था अस्माका जिसको दोस्तों कहा जाता है कि नर्मदा और गोदावरी के बीच में था नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में अस्माका ठीक है आगे बढ़े चले आगे की तरफ बहुत बढ़िया सभी ने आंसर दे दिया अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने विच ब्लड ग्रुप हैज नो no एंटीबॉडी दोस्तों किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता है जल्दी से बताइए ओ ए बी ए या बी जल्दी से बताइए किसमें एंटीबॉडी नहीं होता है हाँ सिद्धि जी आज दो घंटे की क्लास है अपनी दस बजे से क्लास शुरू हुई है बारह बजे जाके खत्म होगी ठीक है जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे कैंसर होना चाहिए ओ ओ ओ सब कह रहे हैं तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा ए बी होगा क्या होगा ए बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कई लोगों ने ए बी भी कहा है आ, योगेन ने कहा है ऐश्वर्या ने कहा है शिवांगी ने कहा है ठीक है तो दोस्तों ए बी यहाँ पे करेक्ट आंसर अच्छा दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ लेता यूनिवर्सल यूनिवर्सल रेसिपियंट जल्दी से बताइए यूनिवर्सल रेसिपियंट कौन होगा और यूनिवर्सल डोनर कौन होगा जल्दी से सभी को बताना है यूनिवर्सल रेसिपियंट और यूनिवर्सल डोनर कौन होगा फटाफट बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से सभी को बताना है यहां पे कह रहे सर यूनिवर्सल डोनर ओ अरे दोस्तों डोनर हां रेसिपियंट दोस्तों एबी प्लस दोस्तों ओ तो होगा लेकिन ओ पॉजिटिव होगा या ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर तो ओ नेगेटिव होगा ठीक है और यूनिवर्सल यूनिवर्सलियंट कौन होगा ए बी पॉजिटिव होगा ठीक है दोस्तों पर अगर ब्लड ग्रुप की की बात जाए तो किसने किया था कार्ड स्टीनर ने खोज की थी किसने दोस्तों कार्ड स्टीनर ने ठीक है एक दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में कितना दोस्तों ब्लड होना चाहिए पांच से छह लीटर होना चाहिए याद रखेगा दोस्तों ब्लड जो है वो कैसा टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है कैसा है दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू है ये याद रखेंगे ठीक है बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों हड़प्पा वॉश डिस्कवर्ड बाय ये तो हमने पहले ही कर लिया है हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था आर डी बेनर्जी दया राम सहनी एमे या फिर अलेक्जेंडर जल्दी से बताइए ये तो सिंपल सा है क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है डी आर सहनी ठीक है बहुत बढ़िया वेरी गुड सभी के आंसर आ चुके हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने Which of the following dance form is not correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सुमेलित सही तरीके से नहीं है? हरियाणा, झूमर, उड़ीसा, छाऊ, राजस्थान, लावनी, असम, बिहू। दोस्तों ये सारे डांस आप जानते हो यहाँ पर आसानी से एलिमिनेट भी कर सकते हो और डायरेक्टली आपको याद भी होगा। फटाफट बताइए। राजस्थान कह रहे हैं सब लोग सर राजस्थान राजस्थान बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा राजस्थान क्यों दोस्तों क्योंकि यहाँ पे लावनी कह रहा है लावनी दोस्तों किससे है महाराष्ट्र से है ठीक है महाराष्ट्र से लावनी और तमाशा भैया बहुत तमाशा करते हैं महाराष्ट्र वाले है ना और नौटंगी कौन करते हैं यूपी वाले हरियाणा में झूमर उड़ीसा में छाऊ और दोस्तों अगर उड़ीसा में ये पूछ ले कि कौन सा छाऊ तो आप बता दीजिएगा मयूरभंज छाऊ कौन सा दोस्तों मयूरभंज ठीक है आपको पता है दोस्तों छाऊ आपको तीन जगह देखने को मिलेगा झारखंड में भी देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में भी और उड़ीसा में भी तो छाऊ अगर सिर्फ सिंपली पूछा है तो आप उड़ीसा आंसर कर सकते हो और उसमें भी अगर दोस्तों आपको ऑप्शन पूछ लिया कि भैया सारे छाऊ वाले ऑप्शन तो मयूरभंज छाऊ ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय द ज्योग्राफिकल एरिया दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है रशिया है वेटिकन सिटी है ऑस्ट्रेलिया है यूएसए है जल्दी से बताएंगे सभी लोग आलोक छाव छत्तीसगढ़ का नहीं है वहां पे आपको मदई देखने को मिलेगा ठीक है राय भी देखने को मिल जाएगा राई वैसे एमपी का है राय और मंच भुगारिया ठीक है सारा कुछ एमपी का है यहाँ पे वेटिकन सिटी कह रहे हैं वेटिकन सिटी बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ठीक है तो दोस्तों जितने लोग यहाँ पे कह रहे हैं वेटिकन सिटी उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है सभी का आगे बढ़े हाँ जी वेटिकन सिटी दोस्तों यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर रशिया दोस्तों सबसे बड़ा है लार्जेस्ट है दोस्तों लार्जेस्ट यूरोप में भी आता है एशिया में भी आता है यूरेशिया वाला पार्ट है इसका ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों अपूर्वी चंदेला इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट अपूर्वी चंदेला निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है यहाँ पे रेसलिंग है या फिर एथलेटिक्स है बॉक्सिंग है या फिर राइफल शूटिंग है जल्दी से बताइए अपूर्वी चंदेला जो है वो किस खेल से संबंधित है सभी लोग बताइए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी से बताएंगे हाँ सेकंड नंबर पे कनाडा आता है फिर थर्ड पे चाइना आता है फिर फोर्थ पे आपका अमेरिका आ जाता है फिर सिक्स पे क्या आएगा दोस्तों ऐसे ही करके अपना भारत आता आता है सातवें नंबर पे ठीक है यहाँ पे जल्दी से बताएंगे सब लोग कह रहे हैं सर होना चाहिए ऑप्शन बॉक्सिंग बॉक्सिंग दोस्तों आप पूर्व चंदे हाँ यहाँ पे राइफल शूटिंग्स है दोस्तों बॉक्सिंग कब से करने लगी यहाँ पूर्वी चंदेला दोस्तों जल्दी से बताइए ठीक है अच्छा मनु भाकर किससे हैं चलिए मनु भाकर किससे है दोस्तों सभी लोग बताएंगे मनु भाकर किससे हैं फटाफट से जल्दी से बताइए दोस्तों मनु भाकर हाँ डी ऑप्शन यहां आंसर राइफल शूटिंग से आप पूर्वी चंदेला हाँ संयुक्ता ने बोला सर शूटिंग होगा शूटिंग शूटिंग योगेन बिल्कुल मनु भाकर भी शूटिंग शुट, से ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों सब्सिडरी सिस्टम डिवाइस बाय दोस्तों सहायक संधि की प्रणाली यहाँ पे किसके द्वारा तैयार की गई थी लॉर्ड लॉर्डजी लॉर्ड कैनिक लॉर्ड रिपन जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा हाँ मनु भाकर भी शूटिंग से हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं हाँ एयर पिस्टल बिल्कुल सही बता रहे हैं यहाँ पे परफेक्ट मिस्टर परफेक्ट क्या बात है ठीक है यहाँ पे कैरेसर वेलेसिली होना चाहिए ओके बाकी सब क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा

डॉक्ट्रीन ऑफ लैप से ठीक है यहाँ पे कह रहे हैं सीओ होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर सभी का आ चुका है कार्बन डाइऑक्साइड तो दोस्तों सीओ दोस्तो टू दो 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 तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा क्यों ना यहाँ पे फास्ट क्विज किया जाए मतलब एमसी क्यूज फटाफट से लगाए जाए क्योंकि देख रहे हैं दोस्तों थके थके से लग रहे तो एक बार सभी लोग बताएंगे हाउ इज द जोश भाई सी आई एस एफ की तैयारी कर रहे हो सी आई एस एफ में जाने वाले हो ठीक है तो वहां पे तो फुर्तीले लोग चाहिए जोशीले लोग चाहिए कहते ना हाउ इज द जोश तो दोस्तों अब यहां पर एक क्यूर चूज कर लीजिए जल्दी जल्दी से ठीक है ठीक है तो फास्ट वे में करेंगे चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न ऑफ ऑफ द द द फॉलोइंग प्लेसेस बाय बुद्धा डायनेस्टी दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था कपिल वस्तु अंगा मगध या फिर गंधार जल्दी जल्दी से आंसर करना है दोस्तों ठीक है ऑलवेज हाई ऑलवेज हाई क्या बात है बहुत बढ़िया मजा आ गया सुरजीत कह रहे हैं रजत कह रहे हैं

जल्दी से बताइए दोस्तों आपको पता है कुछ पावर है यहाँ पे जैसे एप्सलूट पावर है सस्पेंसिव पावर है वीटो पावर है तो यहाँ पर आपको बताना है कि भैया किसने इस्तेमाल किया है सबसे पहले जल्दी जल्दी से यहाँ पे कह रहे सर होना अरे ज्ञानी जेल सिंह ने तो दोस्तों पॉकेट वीटो का किया था पॉकेट वीटो में तो वापस ही नहीं किया जाता बहुत से लोग देखिए कंफ्यूज हो गए दोस्तों आप लोग आंसर जो कर रहे हो ज्ञानी जेल सिंह का वो तो पॉकेट वीटो पॉकेट वीटो में क्या होता है भैया बिल आया हमें नहीं देना है हमने जेब में डाल लिया और कभी देखे ही नहीं उसकी तरफ उस पॉकेट में चला गया मतलब आप देखना ही नहीं तो उसको पॉकेट वीटो लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि किसी ने वापस किया ठीक है बिल को वापस किया तो ध्यान से आंसर करेंगे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद नहीं दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे ए पीजे अब्दुल कलाम जी क्या होंगे ए पीजे अब्दुल कलाम जी होंगे ठीक है ये याद रखेगा इंडिया 2020 और दोस्तों यहाँ पर ये भी याद रखेगा ये इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने हु क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अर्ज इन दिल्ली दोस्तों दिल्ली सुल्तनत के दीवाने अर्ज विभाग किसने बनाए थे बलबन ने इल्तुतमिश ने अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक फटाफट बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी से सभी को बताना है देखिए दोस्तों दो क्वेश्चन होते हैं अगर आपसे पूछेगा कि वीटो पावर मतलब पॉकेट वीटो किसने यूज किया तब आपका आंसर ज्ञानी जेल सिंह होगा पोस्टल के लिए किया था इन अगर पूछेगा किसने वापस सबसे पहले किया रिटर्न किसने किया तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भैया रिटर्न कर दिया और आपको पता हो जब रिटर्न कर दिया जाता है फिर अगर दोस्तों उसमें कुछ भी संशोधित करके या फिर बिना संशोधित के वजह से वो वापस से आता है प्रेसिडेंट के पास तो उनको साइन करना पड़ेगा मजबूरन ठीक है यहाँ रहे सर ए ऑप्शन ए ऑप्शन तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन अगला क्वेश्चन दोस्तों इन विच ऑफ द द फॉलोइंग स्टेट मुरलेन नेशनल पार्क लोकेटेड दोस्तों मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है असम में मिजोरम में मेघालय में मणिपुर में जल्दी से बताइए दोस्तों मुरलेन नेशनल पार्क जो है वो कौन से राज्य में स्थित है हाँ पिछला बल्बन इज द करेक्ट आंसर सभी लोग बताएंगे दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी से यहाँ पे यस ऑफिसर बिटिया बिल्कुल सही बता रहे हैं यहां पे मिजोरम कह रहे हैं cool कूल बॉय आलोक बप्पी वेरी गुड दोस्तों पे मिजोरम करेक्ट आंसर होगा आसाम नहीं होगा दोस्तों मिजोरम इज द करेक्ट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द करेंसी ऑफ इटली दोस्तों इटली की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है रुपी है पैसो है दिनार है यूरो है जल्दी से बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से सभी लोग बताएंगे इटली की करेंसी आपसे पूछी गई है फटाफट से सबको बताना है आ, ठीक है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है दिनार होना चाहिए दिनार दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा यूरो होगा ठीक है याद रखिएगा आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है मोहनदास करमचंद गांधी जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद या फिर इंदिरा गांधी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है हा पिछला यूरो करेक्ट आंसर है यहां पे कह रहे हैं सर होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू कुछ लोग गांधी जी कह रहे हैं तो दोस्तों जे एल एन यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे क्या होंगे जे एल एन जवाहरलाल नेहरू ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड दोस्तों आपको बताना है इंदिरा पॉइंट कहां पे स्थित है क्या वो लक्षद्वीप पर है दमन एंड दीव तमिलनाडु या फिर अंडमान एंड निकोबार दोस्तों इंदिरा पॉइंट आपको पता है दक्षिण भारत का मतलब सबसे जो है लास्ट पॉइंट है तो आपसे पूछा गया जल्दी से, से बताइए कहाँ पे है हाँ पिछला जे एल एन करेक्ट आंसर है यहाँ पे कैसे होना चाहिए बी ऑप्शन मतलब अंडमान एंड कुछ लोग दमन एंड कह रहे हैं कुछ लोग अंडमान एंड निकोबार निकोबार्वेशन है बताने क्लोरोपिक्रीन सॉरी क्लोरोपिक्रीन का सामान्य नाम क्या है कोल गैस टीयर गैस लॉफिंग गैस या फिर वाटर गैस जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे दोस्तों यहाँ पे हाँ, पिछला बिल्कुल सबका करेक्ट आंसर है यहां पे कह रहे सर टीयर गैस होना चाहिए ओके ठीक है तो दोस्तों लॉफिंग गैस नहीं होगा यहां पे टीयर गैस होगा ठीक है दोस्तों याद रखिएगा सी सी एल थ्री एनओ टू इसका आंसर होता है ठीक है इसका फॉर्मूला है सी सी एल थ्री एनओ टू टीयर गैस और दोस्तों लॉफिंग गैस का क्या होता है यहाँ पे एनओ टू होता है क्या होता है एनओ टू होता है ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ हाँ टीयर गैस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल पीरियड बहुत दोस्तों मुगल काल की आधिकारिक भाषा क्या थी उर्दू पर्शियन टर्किश और अरेबिक जल्दी से बताइए मुगल पीरियड की कौन सी लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल थी सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कह रहे सर होना चाहिए पर्शियन पर्शियन तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पर्शियन ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों दोस्तों वेयर इज द ऑफ ओपेक लोकेटेड दोस्तों ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है वीना जिनेवा बुरसेस या फिर जुरेक जल्दी से बताइए दोस्तों ओपेक का आपसे पूछ लिया गया है फटाफट बताएंगे सभी लोग कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है जल्दी जल्दी से बताना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है उनका हेडक्वार्टर कहां पर है यहां पे वीना कह रहे हैं कई लोग कुछ लोग यहां पे

यहाँ पे कह रहे सर होना चाहिए अकबर 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 तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अकबर पंद्रह में राजा बने थे दोस्तों पंद्रह में तेरह साल की उम्र में केंद्र के संरक्षण में बैरम खां के संरक्षण में किसके दोस्तों बैरम खां के संरक्षण में पंद्रह में इन्होंने पहला युद्ध दोस्तों हालांकि इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में लेकिन नाम इन्हीं का आता है ठीक है याद रखेगा हेमू के साथ अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ब्लैक पगोड़ा इज लोकेटेड ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है खजुराहो में कोनार्क में मदुरई में या फिर महाबलीपुरम में जल्दी बताइए दोस्तों ब्लैक पगोड़ा कहां पर स्थित है सभी लोग बताएंगे हाँ पिछला अकबर करेक्ट आंसर है यहां पे कैर सर होना चाहिए

यहाँ पर एंडीज 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 तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एंडीज बिल्कुल ठीक है यंग फोल्ड माउंटेन दोस्तों हिमालय है लेकिन दोस्तों एम वाले ने क्या किया था एस एस मतलब, वाले मतलब SSC ने उसने हिमालय ऑप्शन में नहीं दिया था तो दोस्तों यंग माउंटेन दोस्तों एल्प हो जाएगा ठीक है यंग फोल्ड माउंट अगला क्वेश्चन कुचिपुड़ी बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया दोस्तों कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है आंध्र प्रदेश झारखंड महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़ जल्दी से बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ठीक है अच्छा वो यहाँ पर कोई बता रहे हैं सर नाइट्रस ऑक्साइड अच्छा लॉफिंग गैस का एनओ टू लिख दिया ठीक है कोई नहीं दोस्तों एन टू वो लिख लीजिएगा ठीक है नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड ठीक है तो एन टू होगा एनओ टू नहीं होगा ठीक है हाँ, चलिए यहाँ पर आंसर हो दोस्तों आंध्र प्रदेश ठीक है आंध्र प्रदेश अगला क्वेश्चन दोस्तों ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज रिवर इन द द फ्लोइंग इन वेस्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी है नर्मदा कृष्णा महानदी गोदावरी जल्दी से बताइए फटाफट से बताएंगे फटाफट से बताना है सभी लोगों को यहां पे करेक्ट आंसर दोस्तों पश्चिम की तरफ और दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से क्या करेंगे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे जल्दी जल्दी से यहाँ पे कह रहे सर होना चाहिए नर्मदा नर्मदा तो दोस्तों नर्मदा करेक्ट आंसर है कहां से निकलती है अमरकंटक से कहा से अमरकंटक से निकलती है इसकी लेंथ दोस्तों एक, एक हजार तीन सौ दो किलोमीटर है ठीक है इस पे दोस्तों आपको धुआंधार जलप्रपात मिलेगा क्या दोस्तों धुआंधार जलप्रपात इसके किनारे दोस्तों जबलपुर सिटी आपको फेमस सिटी मिलेगी और दोस्तों इसी पर आपको सरदार सरोवर डैम भी मिलेगा ये याद रखेगा ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने इन विच ईयर डेड मोतीलाल नेहरू एंड एट अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया so, मोतीलाल नेहरू और आठ अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए एक संवैधानिक प्रारूप मसौदा तैयार किया? 1928, 25, 30 और 50. जल्दी से बताइए दोस्तों वेरी गुड छाया प्रिंस बहुत बढ़िया योगेन आ, कुमारी सरिता वेरी गुड यहां पे सर 28 होना चाहिए ऐश्वर्या साथ मीनू प्रिंस सरकार तो दोस्तों यहाँ पे सब लोग मिलकर आए हैं लगता है कि सर 28 ही बोलेंगे कुछ भी हो जाए ठीक है अगला क्वेश्चन हुआ क्रांति इन बिहार दोस्तों अठारह के संतावन के क्रांति में बिहार का नेतृत्व तो किसने किया था बाबू अमर सिंह हेरे कृष्णा सिंह बाबू कुंवर सिंह या फिर राजा सहजदा सिंह जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा हाँ एम के लिए कई लोग बोल रहे हैं सर एम के रिवीजन के लिए तो दोस्तों कल आपके लिए हम एम की क्लास लेकर आ रहे हैं स्पेशल क्लास कितने बजे दोस्तों 9 बजे से 12 बजे तीन घंटे की क्लास दोस्तों तीन घंटे की क्लास अब दोस्तों तीन घंटे की क्लास में हम क्या क्या करेंगे कल वो मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों पाँच छ सात आठ दोस्तों इन दिनों जो एग्जाम हुए हैं उसके सारे प्रश्न सारे प्रश्न बोले तो देखिए हर शिफ्ट दोस्तों हर दिन तीन शिफ्ट हुए हैं तीन शिफ्ट हुए ना तो तीन यहाँ पे चौका बारह शिफ्ट बारह शिफ्ट के क्वेश्चन और दोस्तों एक्सपेक्टेड भी इसमें इंक्लूड होंगे क्या होंगे एक्सपेक्टेड ठीक है तो दोस्तों जिससे आपको आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए दोस्तों वो क्वेश्चन रिवाइज हो जाए ठीक है हाँ जी तो कल नौ से बारह टाइम नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों ठीक है यहां पे कुंवर सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे बाबू कुंवर सिंह ठीक है अगला क्वेश्चन का पहला सर्जिकल प्रत्यारोपण या फिर विलियम दे बताइए ठीक है और दोस्तों इस बार एम में जो भी तैयारी कर रहे हैं ठीक है नॉट इन एम जिसकी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे आप सी की कर रहे हो चाहे आप सीजीएसएल इसी साल सिलेक्शन लेना है दोस्तों क्योंकि देखिए इसी साल दोस्तों आपके सामने बहुत सारे सिलेक्शन के चांसेस हैं ठीक है सारे जो हैं एग्जाम जो है वो अप टू डेट हो रहे हैं ठीक है समय पे हो रहे हैं एग्जाम के रिजल्ट भी आ रहे हैं एसएससी अपना कैलेंडर भी रिवाइज कर रहा है ठीक है तो आपको इसी साल लेना है करेक्ट आंसर दोस्तों यहां पे क्या होंगे क्रिश्चियन बर्नार्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे अगला क्वेश्चन हु हैज रिटर्न गीतांजलि दोस्तों गीतांजलि किसने लिखी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी ने महादेवी ने या फिर श्री और ने जल्दी से बताइए ठीक है हाँ पिछला बर्नर इज द करेक्ट आंसर सीआईएसएफ की क्लास की टाइमिंग बता दो बोल रहे हैं तो सीआईएसएफ की दोस्तों लिख लीजिए यहां पे दो से तीन बजे होगी मंडे टू मंडे ट्यूसडे को होगी आपकी दो से तीन बजे ठीक है हाँ दोपहर दो से तीन यहां पे रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे इनके लिए दोस्तों इसी किताब के लिए दोस्तों 1913 में इनको क्या दिया गया था लिटरेचर का नोबल प्र नोबल प्राइज दिया गया था और दोस्तों ये बुक जो पब्लिश हुई थी वो 1910 में हुई थी ठीक है अगला क्वेश्चन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतर दोस्तों कतर की कैपिटल क्या है दोहा है अबूधाबी जिदा या फिर मनामा जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है दोहा की कैप सॉरी कतर की कैपिटल पूछ ली गई है फटाफट बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ आपका सर होना चाहिए दोहा ओके बाकी लोग क्या कहते हैं चले तो दोहा दोहा दोस्तों करेक्ट आंसर है दोहा ठीक है अगला क्वेश्चन डैश इज द मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट डैश भारतीय संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए इक्कीस वर्ष पच्चीस वर्ष 18 वर्ष या 30 वर्ष जल्दी से तो बताइए दोस्तों अगर आपको संसद का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए कैसर होना चाहिए कुछ लोग तीस कह रहे कुछ लोग इक्कीस कह रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा पच्चीस होगा दोस्तों इक्कीस तो आप पंचायत में इलेक्शन लड़ सकते हो लेकिन सदस्य कैसे बनोगे सदस्य दोस्तों लोकसभा के आप बन सकते हो पच्चीस की उम्र में अगर लोकसभा की अगर आप सदस्य तो बन गए इसका मतलब है सद, संसद के सदस्य तो बन गए क्योंकि संसद दोस्तों जो पार्लियामेंट है वो बना किससे है मिल दोस्तों एक तो लोकसभा से मिला है राज्यसभा से और तीसरे कौन है प्रेसिडेंट इन तीनों को मिला दो तो इसको कहते हैं सांसद ठीक है संसद कहते हैं तो लोकसभा दोस्तों 25 सबसे कम उम्र उसी के लिए चाहिए होती है तो यहाँ पे सबसे कम उम्र आपको संसद में सदस्य बनने के लिए 25 होनी चाहिए अगला क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स वाज मोरक्कन एंड रोड रेहला दोस्तों आपको निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोरक्को से था और रेहला लिखा था फाहन इब्न बतूता अलबरूनी या फिर निकोलो डी कोंटी जल्दी से बताइए सभी लोग बताइए फटाफट से सभी लोग बताएंगे सबका आ रहा है सर होना चाहिए यहाँ पे बी ऑप्शन बी ऑप्शन तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल एम के समय में आया था दोस्तों किसके समय में एम मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था ठीक है यहाँ पे बतूता मोरक्को से आया था और इसने दोस्तों रेहला किताब लिखी थी याद रखिएगा आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए ठीक है अगला क्वेश्चन एज पर टू थाउजेंड इलेवन सेंस विच ऑफ दैड द हाइएस्ट सेक्स रेशियो दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक था कर्नाटका केरला उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल जल्दी से बताइए दोस्तों लिंगानुपात पूछा गया है दोस्तों आपसे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा फिर फटाफट फड़ से सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कह रहे सर केरला होना चाहिए कुछ लोग यूपी कह रहे हैं ओके ठीक है कई लोग यहाँ पे तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा केरला एक्चुअली सेक्स रेशियो क्या होता है दोस्तों तो ये मेल से रेशियो होता है फीमेल फीमेल सॉरी से रेशियो होता है मेल का ठीक है कितने मेल में हजार मेल में ठीक है अगर बात की जाए पूरे भारत देश की जो सेक्स रेशियो है वो कितनी है नौ महिलाएं हैं दोस्तों हजार पुरुषों में ठीक है लेकिन दोस्तों केरला की सबसे ज्यादा थी ठीक है वो कितनी थी हजार पुरुषों में एक हजार चौरासी महिलाएं ठीक है तो ये याद रखिएगा पॉपुलेशन नहीं पूछी कई लोग उत्तर प्रदेश कह रहे हैं वो पॉपुलेशन समझ के कह रहे हैं यहां पे सेक्स रेशियो पूछा था ठीक है आगे बढ़े चलिए और दोस्तों आपके एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कल तो ये भी पूछा गया था कि सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट है जिसका सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है ठीक है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग किंग हैज बीन एंड ये तो दोस्तों हो चुका है ठीक है हाँ मालगुडी डेज वॉज रिटर्न बाय मालगुड़ी डेज डैश द्वारा लिखा गया है शशि थरूर विक्रम सेठ अमित त्रिपाठी या फिर आर के नारायण जल्दी से बताइए हाँ जी बिल्कुल केरला की सबसे ज्यादा है वन जीरो एट फोर हजार में है जल्दी से बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होंगे ठीक है बहुत बढ़िया दोस्तों यहां करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होंगे आर के नारायण शशि तरू की दोस्तों एन एरा ऑफ डार्कनेस विक्रम सेठ की दोस्तों बॉय त्रिपाठी की दोस्तों आपको पता है शिव जी की जो लिखी गई किताब है वो अमित त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई अगला क्वेश्चन दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन द फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म या स्पिरिचुअल इंक्वायरी एंड रिफॉर्म जल्दी से बताइए दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों आपको पता है यूएसएसआर से ली गई है कौन से भाग में है फोर ए में है कौन से आर्टिकल में है इक्यावन ए में है कौन कितने यहाँ पर दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज है तो ग्यारह हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर कह रहे हैं सर होना चाहिए सी सी कुछ लोग कह रहे हैं सर डी तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर ए स्पिरिचुअल अपलिफमेंट यहाँ पर मैंशन नहीं है ठीक है आध्यात्मिक उत्थन नहीं है आगे बढ़े साइंटिफिक टेम्पर तो दिया है दोस्तों ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों समाज ये दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों दोस्तों हालांकि हम कल MTS के लिए अलग से स्पेशल क्लास कर रहे हैं 9 से 10 जहां पर हम लोग 5 6 7 8 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो और यहां पे एक्सपेक्टेड दोनों लगाने वाले हैं ठीक है तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फुले क्या दोस्तों ज्योतिबा फुले सत्य समाज ऑप्शन नंबर फोर मीनू का करेक्ट आंसर है गोला का करेक्ट आंसर है ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने सूर्य सेन एसोसिएटेड विद ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल दोस्तों आपको बताना है सूर्य सेन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आयोजन से जुड़े थे क्या वो चितगोंग आर्मरी रेड था काकोरी कॉन्स्पिसी था सिविल डिसोबिडियंस या फिर होम रूल मूवमेंट जल्दी से बताइए हाँ पिछला करेक्ट आंसर यहां पे कह रहे सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए ए ए तो आर्मरी रेड करेक्ट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों सामने बेतवा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दोस्तों आपको बताना है बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है अरावली हिल सतपुड़ा हिल विंध्या हिल या फिर वेस्टर्न घाट जल्दी से बताइए फटाफट से बताना है दोस्तों बेतवा नदी का कहां से उद्गम होता है ए ऑप्शन कह रहे हैं अरावली हिल दोस्तों ध्यान से आंसर करेंगे ठीक है अरावली हिल कहाँ पे है ये तो राजस्थान में ठीक है और बेतवा कहाँ से निकलती है एमपी से तो एमपी में दोस्तों आपको विंध्या और सतपुड़ा मिलते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पे विंध्या होगा ठीक है बेतवा एमपी से निकलती है ना अरावली तो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी ठीक है आगे बढ़े और वेस्टर्न घाट को क्या कहा जाता है दोस्तों सहाद्री किस नाम से जानी जाती है दोस्तों ये सहाद्री ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर कोसी हुगली और नन ऑफ दीस जल्दी से बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा और दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया एक बार फटाफट से शेयर करेंगे और लाइक करेंगे जल्दी जल्दी से ठीक है कोसी कह रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पेट आंसर होगा दामोदर कोसी तो दोस्तों बिहार की है बिहार की यहाँ पे शोक नदी कहा जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन इंडियन नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन भारतीय राष्ट्रगान को दोस्तों यहाँ पे इसके हिंदी संस्करण संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ इक्यावन छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ उनचास पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस और चौबीस जनवरी उन्नीस सौ पचास जल्दी से बताएंगे यहाँ पैर सर डी ऑप्शन डी ऑप्शन तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन 24 जनवरी 1950 ठीक है ये याद रखिएगा नेशनल एंथम पहली बार गाया था 1911 में ठीक है नेशनल सॉन्ग अठारह में पहली बार गाया गया था नेशनल सॉन्ग कौन सा है वंदे मातरम ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों तो विच वन इज द राइटर ऑफ द बुक हर चरिता हर चरिता पुस्तक के लेखक कौन है कालिदास है शुद्रका है बानभट्ट या फिर हाल है जल्दी से अभी आपन ने डिस्कस किया था फटाफट बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हाँ पिछला 24 जनवरी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे कह रहे सर कोलकाता क्या बोल रहे बानभट बानभट्ट तो दोस्तों करेक्ट आंसर है बानभट ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए हु फाउंडेड द हिंदू एंड द स्वदेशी मित्रन न्यूज पेपर दोस्तों आपको बता बताना है हिंदू एवं स्वदेश मित्र समाचार की स्थापना किसने की सुब्रमण्यम अयर ने बीजी मतलब बाल गंगाधर तिलक सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पर स्वदेश मित्र किसके न्यूज़पेपर निकाली थी हाँ सुब्रमण्यम अय्यर यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्या दोस्तों जी सुब्रमण्यम अय्यर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक नहीं है दोस्तों उन्होंने तो वो निकाली थी ना केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में थी ठीक है ये याद रखिएगा आगे बढ़े हाँ चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी दोस्तों पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है आर्टिकल 369, आर्टिकल आर्टिकल 312, article 60 और आर्टिकल 51 फटाफट बताइए दोस्तों कौन सी यहां पर ऐसी अनुच्छेद है जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है सभी लोग बताएंगे फटाफट फड़ से यहां पर आंसर आने लगा है ठीक है इंक्या, 312 नहीं है दोस्तों, इंक्यावन है दोस्तों आर्टिकल इंटरनेशनल पीस शांति की बात नहीं करते दोस्तों इंटरनेशनल पीस की बारी बात की जाती है ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है दोस्तों ये अनुच्छेद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देश आयरलैंड से लिए गए हैं ना दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों लेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल इन नाइनटीन थर्टी एट उन्नीस सौ अड़तीस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था अबुल कलाम आजाद सुभाष चंद्र बोस जेबी कृपलानी या फिर पट्टाभी सीतारमैया जल्दी से बताइए हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं यहाँ पे रजत जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और 315 आपका यूपीएससी से है और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि यू आपको बताना था कि यूपीएससी के ड्यूटीज किस में दी गई है वो 320 में दी गई है दोस्तों ठीक है तो होमवर्क किया था कि नहीं किया था दोस्तों यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस 1938 में दोस्तों कहाँ पर हुई थी हरिपुरा में कहाँ पे दोस्तों हरिपुरा ये याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़े चलिए द बैटल ऑफ खनवा वॉज फॉर्ड बिटवीन बाबर एंड डैश दोस्तों खनवा की लड़ाई बाबर और डैश के बीच में लड़ी गई थी हेमू के बीच में टोडरमल राणा सांगा और शेरसा सूरी जल्दी से बताइए दोस्तों बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी सभी लोग यहां पर आंसर बताएंगे हाँ पिछला बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं यहां पे बताना है सबको यहां पे कह सर राणा सांगा होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ठीक है दोस्तों यहां पे जितने लोग यहां पर आंसर दे रहे हैं दोस्तों करेक्ट आंसर होगा राणा सांगा ठीक है

ठीक है यहाँ पे कह सर आई टी आई टी तो दोस्तों यहां पे बिल्कुल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन आई टी ठीक है आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन विच रूलर कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर ऑफ कुतुब मीनार दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था ऐबक बलबन रजिया सुल्तान या फिर इल्तुतमिश जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा यहां कह रहे सर बी ऑप्शन कुछ लोग कह रहे सर ए ऑप्शन दोस्तों पूरा कराया था ये पूछा गया है ठीक है ये मत ध्यान दीजिएगा कि किसने बनवाया ये पूछा गया किसने पूरा करवाया तो दोस्तों करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर फोर इलतुतमिश ठीक है तो दोस्तों ओहो हो 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 यहां पे समय होता है समाप्त जहां पर दोस्तों हमने क्या किया आ रहे हैं सुबह नौ से दस बजे दस बजे जहां पर सात आठ दोस्तों, आथ, दोस्तों इन दिनों जो हुए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन और जो पूछे गए थे क्वेश्चन वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों और दोस्तों इस क्लास की पी डी पर मिलेगी आपको टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ठीक है हाँ जी तो दोस्तों टेलीग्राम पे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो सिंपली आपको क्या करना है जस्ट मिनट टेलीग्राम पे जाना है और एट द रेट क्या दोस्तों सर बुक आपको वहां पे क्या होगा ज्वाइन कर लेंगे एट द रेट गौरव सर टेक्स बुक या फिर आप यहां पे स्कैनर भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं गौरव मौर्य सर टेक्स बुक ये आपको मिल जाएगा और तो भी नहीं कर पा रहे दोस्तों तो मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ क्या करता हूँ लिंक दे देता हूं जिससे आपको भागना ना पड़े ठीक है तो दोस्तों ये चैट पे रही लिंक आपके लिए ठीक है तो ये रही दोस्तों आपके लिए और दोस्तों कल के जो अपन करेंगे क्लास उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रहेंगे डेफिनेटली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे और दोस्तों यहां पर टेक्स बुक आपके लिए लेकर आया है वीकेंड सेल विन विन सेल दोस्तों आपके लिए लेकर आया है जहां पर दोस्तों 499 में दोस्तों आपको सालाना पास मिल रहा था

यहाँ पे गोल्डन टिकट दोस्तों 18 महीने का टिकट मिल रहा है आपको लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक 699 और गोल्डन टिकट 499 अब यहाँ पे दोस्तों अप्लाई कूपन कोड करोगे जैसे ही अप्लाई करोगे आप कूपन कोड क्या दोस्तों गैम पास g a m p a s, -S. जैसे ही आप अप्लाई करोगे दोस्तों जो 499 था वो 375 हो गया जो 699 था वो 525 मतलब 375 में आपको मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे 18 महीने का पास और अपनी तैयारी तगड़ी कर सकते हो यहाँ से और दोस्तों ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टू डेट मिलते रहे तो दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में एक नए जोश के साथ एक नए सेशन के साथ लेकिन तब तक अपना ख्याल रखेगा पढ़ाई करते रहेगा अपनों का ख्याल रखेगा कल सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ 9 से 12 जहां पे हम लोग करेंगे तावड़तोड़ जी के एम के लिए तो अभी अपने दोस्त को दीजिए विदा जय हिंद जय भारत